Hey students this is surbhi tiwari and you are watching your favorite educational channel magnet brains well हम स्टार्ट कर चुके हैं हमारे एग्जाम्स की तैयारी दैट मींस कि हम पढ़ रहे हैं हमारे वन शॉर्ट रिविजन्स और वन शॉर्ट रिविजन्स सिर्फ साइंस के ही नहीं आपको मिलने वाले हैं सारे आपके धुरंधर टीचर्स के द्वारा दैट मीन्स की आपके दूसरे सब्जेक्ट के भी आपको वन शॉर्ट रिविजन जल्दी से जल्दी मिलने चालू हो रहे हैं तो वेल अपने एग्जाम्स की तैयारी को करते रहिए और अच्छे एग्जाम्स की तैयारी करेंगे तो हम होंगे जरूर कामयाब तो चलिए इसी अच्छी बात से शुरुआत करेंगे हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर का रिवीजन जो है ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं इसका एनसीआरटी सोल्यूशन एनसीआर सोल्यूशन एवरी थिंग इज ऑलरेडी कंप्लीटेड अब सिर्फ हमें रिविजन करना है तो चलिए फटाफट से शुरुआत कर देते हैं तो वेल सबसे पहले तो हमें आपको बता दूं कि मैं इसमें कौन कौन से टॉपिक कंसिडर करूंगी सबसे पहले हम आपको बताएंगे स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या होता है मेजरमेंट ऑफ टाइम क्या है स्पीड के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इन्हीं सारे टॉपिक्स से रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे आपके एग्जाम्स में और अगर आप जैसे सॉल्यूशन भी किसी चीज का करते हैं और उसके पहले अगर इस वीडियो को देखते हैं तो आपको आसानी से वो सॉल्यूशन बन जाएंगे तो सबसे पहले मोशन एंड टाइम पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि मेजरमेंट क्या होता है तो ऑलरेडी ये जो टॉपिक है आप अपनी क्लास सिक्स में पढ़ चुके थे कि मेजरमेंट एक्चुअल में क्या है तो किसी चीज को आप मेजर कैसे करते हो कौन कौन सी चीजों को मेजर करते हो जैसे अगर मुझे कपड़े सिलवाना है तो जो आपका टेलर होगा वो आपका मेजरमेंट लेता है मतलब आपकी लेंथ लेगा कि आपको कितना लंबा या कि आपकी चौड़ाई लेता है ठीक है विथ्थ और लेंथ मेजर करता है अगर मुझे देखना है कि भाई मुझे यहाँ से अपने स्कूल तक का रास्ता देखना है कि कितना लंबा है तो उसके लिए भी मैं मेजरमेंट करूँगी मुझे पता चलेगा कि कितने किलोमीटर्स है कितने मीटर्स दूर है ठीक है इसके अलावा हमें अब अगर देखना है कि मैं अपने छोटे भाई से या बहन से कितनी मोटी हूं या भारी हूं तो इसके लिए मैं क्या करूंगी अपना वेट करूंगी तो वहां पर वेट का मेजरमेंट करना होगा हमें ये चेक करना होता है कि अगर दो लिक्विड्स दिए हुए हैं जिसको आपन किचन में गर्म कर रहे हैं तो कौन सा लिक्विड ज्यादा है गर्म कौन सा कम गर्म है तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए हम उसका टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं तो आप ये देखिए कि हम हमारी डेली लाइफ में मेजरमेंट करते ही करते हैं ठीक है तो ये मेजरमेंट कैसे किया जाता है तो मेजरमेंट मतलब होता है किसी भी फिक्स्ड क्वांटिटी की हेल्प से किसी अननोन क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करना या वेरीफाई करना ठीक है सो मेजरमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ ऑफ अनोन क्वांटिटी विद नोन और स्टैंडर्ड क्वांटिटी ठीक है कि नहीं दो क्वांटिटी के बीच में कंपैरिजन करके आपको जो चीज मिलती है उसे हम मेजरमेंट कहते हैं जैसे कि अगर मुझे इस पेन की लेंथ को आइडेंटिफाई करना है या पेन की लेंथ को निकालना है तो मैं एक फिक्स्ड क्वांटिटी लूंगी तो वो फिक्स्ड क्वांटिटी मुझे कहाँ से मिलेगी स्केल से मिलेगी ठीक है स्केल को जो कि एक फिक्स वैल्यू का है मैंने उसको यहाँ पर रखा और उसकी हेल्प से इस अननोन क्वांटिटी की फिक्स्ड क्वांटिटी क्यों है क्योंकि मुझे पता है कि मेरा स्केल जो है वो कितना लंबा है पाँच पाँच सेंटीमीटर का है या दस सेंटीमीटर का है ठीक है तो उस स्केल के हिसाब से वो एक जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है उसके हिसाब से मैं उसको यहाँ पर रखूंगी और मुझे ये पता चलेगा कि ये अननोन क्वांटिटी की वैल्यू कितनी आ रही है ठीक है तो फिक्स क्वांटिटी को अननोन क्वांटिटी से कंपेयर करके जो चीज़ निकाली जाती है वही आपका मेजरमेंट कहलाती है ठीक है अब मेजर हम बहुत सारी चीजें करते हैं और क्यों जरूरी है मेजरमेंट जैसे टाइम इज मेजर्ड इन स्कूल सो दैट ईच पीरियड बिगिंस एट फिक्स टाइम अब टाइम का मेजरमेंट हमारे स्कूल में बहुत ज़रूरी है अगर अपन ने सिर्फ अपन सिर्फ स्कूल चले गए और टाइम मेजरमेंट कुछ भी नहीं रहा दैट मीन्स कि एक एक घंटे के लेक्चर्स लगना है पीरियड्स लगना है उसके बाद आपको हाफ एन आवर का लंच मिलना है अगर ये चीज़ अपन ना सोचे या फिर ये चीज़ ऑलरेडी मेजर नहीं की जाए तो फिर क्या होगा आप सीधे स्कूल में जाएंगे किसी को समझ में नहीं आएगा कि यार कितनी देर हमें मैथ्स पढ़ना है कितनी देर हमें साइंस पढ़ना है तो भाई टाइम इंटरवल को डिवाइड करना जरूरी है टाइम इंटरवल को डिवाइड करना मतलब टाइम का मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है दस मेजरमेंट आर इंपॉर्टेंट इन आर डेली लाइफ तो मतलब हमारे जो मेजरमेंट है वो हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है तो मेजरमेंट करने के लिए हम कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स का यूज करते हैं स्टैंडर्ड यूनिट मतलब हर चीज़ को मेजर करने का अलग अलग तरीका होता है जैसे वेट को मेजर करने के लिए अलग होगा लेंथ को मेजर करने के लिए अलग होगा मास के लिए अलग होता है ठीक है तो हर चीज के लिए ठीक है टेम्परेचर के लिए अलग होता है तो हर चीज़ को मेजर करने का यूनिट जो है वो अलग अलग होती है सो क्वांटिटी लाइक लेंथ वेट टाइम टेम्परेचर स्पीड एटसेट्रा दैट कैन बी मेजर्ड आर कॉल द फिजिकल क्वांटिटीज ठीक है तो वो सारी क्वांटिटीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो सभी क्या कहलाती हैं फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं जैसे कि लेंथ वेट टाइम टेम्परेचर स्पीड ठीक है ये सभी क्या कहलाती हैं फिजिकल क्वांटिटीज तो इस चैप्टर में मोशन एंड टाइम को स्टार्ट करने से पहले क्योंकि अपन मोशन को भी मेजर करने वाले हैं तो कैसे करेंगे वो अपन देखते हैं टाइम को भी हम मेजर करेंगे तो वो कैसे करेंगे वो आगे देखेंगे लेकिन अभी फिलहाल इस स्लाइड से आपको क्या चीज रिवाइज करनी थी आपको कौन सी चीज याद रखनी थी कि मेजरमेंट क्या होता है तो आप यहाँ से याद रखिएगा मेजरमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ कंपेरिजन ऑफ एन अनोन क्वांटिटी विथ सम स्टैंडर्ड क्वांटिटी ठीक है और कुछ क्वांटिटीज जैसे कि लेंथ वेट टाइम टेम्परेचर स्पीड ये सभी क्या कहलाती हैं ये सभी फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती है, है? जिसको हम मेजर करते हैं, ठीक ंग लॉन्ग एगो स्टैंडर्ड यूनिट्स की बात करें अब अपन है ना अभी तो अपन ने मेजरमेंट कर लिया अब मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीजों का मेजरमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि अगर आप किसी दर्जी के पास गए ठीक है या टेलर के पास गए और आपने बोला कि भाई मेरा नाप का पैंट बना देना है अगर वो बिना मेजरमेंट के बनाएगा तो इतना प्रॉपर नहीं बना पाएगा आपको देख करके वो एक अंदाजन कुछ बना देगा लेकिन एग्जैक्ट आपकी लेंथ क्या है इसके लिए क्या ज़रूरी है इसके लिए ज़रूरी है कि वो इंच टेप का यूज़ करे या फिर लेंथ नापने के लिए अगर उसके पास कोई यूनिट नहीं होगी तो फिर कोई प्रॉपर तरीके से वो आपका पैंट को नहीं सिल पाएगा ठीक है तो अगर मैं बोलूँ कि चलिए आप अपने हाथ से मेजर कर लीजिए तो हाथ तो सबके अलग अलग होते किसी के बड़े किसी के छोटे होते हैं तो हम उससे भी प्रॉपर तरीके से एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, उससे भी प्रॉपर तरीके से लेंथ मेजर नहीं कर सकते तो इसीलिए क्या किया गया फिर अपन ने स्टैंडर्ड यूनिट्स बनाई कि किस यूनिट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं लेंथ को मेजर कर सकते हैं या अलग अलग चीज़ों को मेजर कर सकते हैं ठीक है तो अपन इन यूनिट्स के बारे में जानेंगे अब ये जो यूनिट्स होती हैं हर जगह अलग अलग होती हैं ठीक है थीके? हर जगह अलग अलग होने का मतलब कि पहले ये अलग अलग हुआ करती थी जैसे कि कई लोग सेंटीमीटर्स का कोई मीटर का कोई किलोमीटर्स का अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से यूज करते थे तो फिर एक एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाई गई जिसको कहते हैं एसआई यूनिट तो चलिए वो डिस्कस करते हैं तो मेजरमेंट के बाद आती है बारी आपके स्टैंडर्ड यूनिट्स की सो so, पहले क्या करा जाता था लोग अपने फुट स्टेप से ये पता करते थे कि किसी जगह पर कितनी दूरी पर कोई चीज़ है मतलब कि अगर घर से टेम्पल तक का दूरी देखना थी या कितनी डिस्टेंस पर वो है तो वो अपने फुट स्टेप्स को काउंट करते थे और बताते थे कि 12 कदम दूरी पर है या 20 कदम दूरी पर है तो ये एग्जैक्ट नहीं होगा क्योंकि सबके कदम अलग अलग हो सकते हैं छोटे बच्चे के लिए तो वो ज़्यादा हो जाएंगे अगर एडल्ट ने वो मेजर किया हुआ है तो ठीक है सो so, ये जो यूज ये जो यूनिट्स थी ये प्रॉपर नहीं थी आम की लेंथ से बता पाना या फुट की लेंथ से बताना तो ये सब प्रॉपर मेजरमेंट नहीं था तो प्रॉपर मेजरमेंट के लिए जरूरी है कि हम यूनिफॉर्मली प्रॉपर यूनिट्स का यूज करें ओके सो देयर वॉज अ नीड फॉर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट विच कुड बी यूनिफॉर्मली यूज बाय एवरी वन सच यूनिट्स आर कॉल यूनिट्स तो हर एक उसकी जो यूनिट होती है जिसकी मदद से आप किसी भी चीज़ को मेजर करते हो वो आपका स्टैंडर्ड यूनिट्स कहलाती हैं ठीक है तो वही आपके जो फिजिक्स है या फिर हमारे

डिसाइड किया गया कि अब क्योंकि मेजरमेंट का तरीका सबका अलग अलग है तो एक प्रॉपर मेजरमेंट की यूनिट बना दी जाए ठीक है जिसको कहते हैं अपन एसआई यूनिट एसआई का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स ये फ्रेंच का वर्ड है तो जिससे निकला एसआई SI यूनिट तो देखिए अलग अलग जगह सब लोग अलग अलग तरीके से लंबाई को लेंथ को मेजर कर सकते करते थे और डिस्टेंस को मेजर करते थे ठीक है तो डिस्टेंस को मेजर करने के लिए फिर वो अलग अलग चीज़ों का यूज करने लगे तो उन्होंने बोला यार ये तो गड़बड़ है क्योंकि फिर इससे तो हम प्रॉपर तरीके से कोई भी चीज नहीं कर पाएंगे सबका अलग अलग मेजरमेंट आएगा तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड बना दिया जाए कि ये एक लेंथ है इसी लेंथ से इसी के यूनिट से आप हर चीज को मेजर करो ठीक है तो उसको सिस्टम का नाम दिया गया एस आई यूनिट तो एस आई यूनिट में कुछ सेवन फंडामेंटल यूनिट्स हैं फंडामेंटल यूनिट्स मतलब जो कि सब जगह यूज़ की जाती हैं जो कि कुछ ज़रूरी यूनिट्स हैं जैसे कि आपका सबसे पहला है लेंथ के लिए तो लेंथ अगर आपको मेजर करनी है तो आप यूज़ करिए मीटर उन्होंने कहा कि अगर लेंथ मेजर करनी है तो क्या यूज करिए मीटर का यूज करिए मास का यूज करना है जैसे किसी चीज के वेट को निकालना है तो आप किलोग्राम का यूज करिए जिसको अपन शॉर्ट में केजी लिखते हैं टाइम के मेजरमेंट के लिए क्या किया गया भाई टाइम तो भाई डे में भी होता है आवर्स में भी होता है सेकेंड्स में भी होता है तो उन्होंने बताया कि आप एसेकेंड्स एस को में मेजर करिए टाइम को फिर आप उस सेकेंड्स के हेल्प से भले ही उसको मिनट में आर में कन्वर्ट कर लीजिए ठीक है तो जो स्टैंडर्ड यूनिट है टाइम की वो सेकेंड्स हैं ठीक है ठीके? फिर उसके बाद टेम्परेचर की जो यूनिट निकाली गई वो निकाली गई आपके कैलविन और डिग्री सेंट्रीगेट सो सब सबसे सब कैलविन की जो आपका टेम्परेचर है ठीक है उसकी जो यूनिट्स हैं जैसे कैलविन हो गई सेंट्रीगेट हो गई ठीक है इनमें जो सेंट्रीग्रेट है वो यूनिट यूज की जाती है कैलविन तो एक आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है ठीक है इसलिए अपन क्या करते हैं डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री फेननाहाइट का यूज करते हैं ये हीट चैप्टर में मैंने आपको बताया था है ना कैलविन तो उसकी

तो वो होती है कैंडला लाइट की यूनिट क्या हो गई कैंडला है तो जो आपकी स्टैंडर्ड यूनिट मतलब है कि वर्ल्ड वाइड एक जैसी यूनिट्स का यूज किया जाए उसके लिए एस SI सिस्टम ने कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स दी है जो कि जिसमें से जो सात फंडामेंटल यूनिट्स हैं वो हैं मीटर किलोग्राम सेकंड कैलुन एम्पियर एंड कैंडला ठीक है तो ये सारी यूनिट्स जो है ये हमारी बहुत सारी चीजों के मेजरमेंट के लिए की जाती है जैसे लेंथ के लिए मास के लिए टाइम के लिए टेम्परेचर लाइट और इलेक्ट्रिक करंट के लिए ठीक है सो द एसआई सिस्टम इज यूज्ड यूनिफॉर्मली ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर ऑल साइंटिफिक वर्ड्स

तो इसीलिए एस SI सिस्टम बहुत जरूरी था तो हा हाउ एवर इन एवरी डे मेजरमेंट अदर सिस्टम आर स्टिल इन यूज ठीक है अब आपने देखा होगा कि भाई हम तो कभी कभी मीटर की जगह सेंटीमीटर्स भी यूज करते हैं हम तो किलोमीटर्स भी यूज करते हैं तो ये सिस्टम्स भी यूज अभी किए जा रहे हैं जैसे कि एफपीएस सिस्टम जिसमें कि फुट पाउंड और सेकंड इनका यूज किया जाता है ठीक है सीजीएस सिस्टम जिसमें अपन सेंटीग्राम सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड्स का यूज करते हैं मतलब कि सेंटीमीटर आपकी लेंथ के लिए और वेट के लिए ग्राम और सेकंड टाइम के लिए सेकंड्स ठीक है एफपीएस सिस्टम मतलब आप लेंथ के लिए फुट और वेट के लिए पाउंड और आपके जो टाइम है उसके लिए सेकंड्स यूज करते हो तो ये सारी यूनिट्स भी यूज की जा रही हैं लेकिन एक है स्टैंडर्ड जो है वो आपका एसआई यूनिट है ठीक है इनको यूज करेंगे तो भी कोई गलती नहीं है लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री में हैं कहां पर कौन सी चीज ज्यादा यूज की जा रही है आप ये देखेंगे कि हर जगह जो टाइम है उसकी यूनिट तो सेकेंड ही रहती है सो एम के एस सिस्टम विच यूज द सेम स्टैंडर्ड यूनिट फॉर लेंथ मास एंड टाइम एज द एस आई यूनिट और एम के एस यूनिट में तो क्या किया जाता है एम के एस सिस्टम भी होता है एस आई सिस्टम के अलावा जिसमें अपन मीटर कैलविन और सेकेंड्स का ही यूज़ करते हैं ठीक है किलोमीटर्स और सेकेंड्स का भी यूज करते हैं तो वो लगभग एस आई सिस्टम के जैसा ही होता है तो मतलब आप कोई भी यूनिट यूज करें लेकिन आपको उसका कन्वर्जन पता होना चाहिए दैट मीन्स कि अगर कोई चीज़ आप सेंटीमीटर में यूज कर रहे हो मेजर कर रहे हो लेकिन कहीं पर वो मीटर में पूछी जा रही है तो आपको उसका कन्वर्जन आना चाहिए ठीक है तो मतलब एक दूसरे का कन्वर्जन अवेलेबल है इसलिए ये वाली जितनी भी यूनिट्स है इनका भी यूज किया जाता है तो स्टैंडर्ड यूनिट्स का मतलब समझ चुके हैं आप लोग वर्ल्ड वाइड एक जैसी यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट्स का यूज किया जाए ताकि बिजनेस में आसानी हो ताकि अगर कोई इन्वेंशन हो तो वो हर जगह सभी यूज़ कर सके इसके लिए स्टैंडर्ड यूनिट्स का होना बहुत ज़रूरी था जिसके लिए फंडामेंटल यूनिट्स बनाई गई पहले तो सात वो कौन कौन सी है ये याद रखिएगा इसके अलावा कौन कौन सी यूनिट्स होती है तो सी सिस्टम होता है इसके अलावा एम सिस्टम होता है एफ सिस्टम होता है जिनमें अलग अलग यूनिट्स होती हैं लेकिन वो सभी एक दूसरे में कन्वर्टेबल होती है दैट मीनस कि अगर कोई चीज मीटर में है तो हम उसको सेंटीमीटर किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं बाई यूजिंग सम फॉर्मूलास ओके चलिए तो अब मेजरमेंट को अगर आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है सो मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द लेंथ साइज और क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस तो मेजरमेंट क्या होता है एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसकी मदद से हम किसी भी चीज का साइज या उसकी क्वांटिटी को पता कर सकते हैं अ फिजिकल क्वांटिटी हैज टू बी मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू सम फिक्स क्वांटिटी जिसमें फिजिकल क्वांटिटीज को हम किसी फिक्स क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में मेजर कर सकते हैं अ फिक्स क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू विच अ फिजिकल क्वांटिटीज मेजर्ड इज कॉल्ड अ यूनिट और उसी फिक्स क्वांटिटी को जिसके रिस्पेक्ट में आप किसी भी चीज को मेजर करते हो उसी को हम यूनिट कहते हैं ठीक है ठीके? तो ये अभी अपन ने जितनी भी चीज समझी उसका एक छोटा सा समरी है या कुछ जरूरी है, तो ये याद रखते चलिए तो अभी जैसे हमने बताया कि क्वांटिटी जिसके, जिसके हम यूनिट कहते हैं तो किसी भी चीज की मतलब कि उसका स्टैंडर्ड निकालना है ठीक है तो यूनिट एज स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट क्वांटिटीज लाइक लेंथ वेट टाइम टेम्परेचर स्पीड एटसेट्रा दैट कैन बी मेजर्ड आर कॉल द फिजिकल क्वांटिटीज और किन को हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं तो वो सारी चीजें जिसमें वेट इंक्लूडेड हो लेंथ इंक्लूडेड हो टेम्परेचर स्पीड हो इन सभी को हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं तो ये सारा पॉइंट अपन मेजरमेंट में पढ़ लिए हैं ओके okay? सो so, जैसा मैंने कहा कि सारी चीज़ों का मेजरमेंट तो ठीक है लेकिन अगर अपन टाइम के मेजरमेंट की बात करें तो टाइम जो है अलग अलग तरीके से मेजर होता है जैसे कभी कभी टाइम को अपन ईयर्स में आ, करते हैं कि भाई आ, किसी चीज में लिखा होता है कि इसमें थ्री ईयर तक का टाइम है कि तीन ईयर्स तक तीन साल तक आप इसको यूज कर सकते हो किसी प्रोडक्ट पे लिखा होता है टाइम का अगर देखा जाए तो उसमें लिखा होता है कि टू दो मंथ तक यूज कर सकते हो कभी अगर टाइम का मेजरमेंट देखते हो तो आप डेज में भी दिया हुआ रहता है ठीक है तो जो टाइम है वो आप सेकेंड से लेकर के ईयर तक सेंचुरीज तक आ, क्या कर सकते हो टाइम को मेजर कर सकते हो जैसे कि सबसे छोटी यूनिट जो तो टाइम की होती है वो होती है सेकंड मिली ठीक है अब वो और छोटे छोटे हो सकते हैं लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो सेकेंड्स है तो सिक्सटी सेकंड अगर होगा तो सिक्सटी सेकेंड से क्या बनता है एक मिनट ठीक है इसी एक मिनट को अगर अपन देखें तो सिक्सटी मिनट मिला करके बनते हैं एक आर वन आर और जो ट्वेंटी फोर आर होता है उसका होता है वन डे थ्री सिक्सटी फाइव डेज मिलकर के बनाते हैं वन ईयर टेन ईयर मिलकर के बनाते हैं वन डिकेड टेन डिकेड होता है वन सेंचु सेंचुरी दैट मीन्स हंड्रेड ईयर्स ठीक है और टेन सेंचुरीज का मतलब होता है वन मिलेनियम दैट इज वन थाउजेंड ईयर्स तो वैल ये सारे कन्वर्जेंस जो हैं ये हमारे डे और ईयर्स के बीच में है जो कि सेकेंड्स से स्टार्ट हो जाते हैं और इसको हम टाइम के लिए यूज कर सकते हैं जैसे आपने बताया होगा कि टेन डिकेट से कहीं पर कोई चेंजेस नहीं हुआ मतलब कि सौ सालों से कोई चेंज नहीं हुआ ठीक है तो इस चीज़ को समझने के लिए हमने छोटे छोटे वर्ड देख दिए क्योंकि अपन हंड्रेड ईयर्स लिखेंगे इससे अच्छा लिख देंगी टेन डिकेट्स ठीक है तो ये सिर्फ एक कंपेरि एक कन्वर्जन है आपके याद रखने के लिए जो कि आपको याद रखना है कि सिक्सटी सेकेंड्स में अगर कोई चीज कंप्लीट हो रही है इसका मतलब कि उसमें एक मिनट लग रहा है तो ये कंपेरिजन आपको याद रहे इसके लिए यहाँ पर यह शो किया जा रहा है ठीक है चलिए सो मेजरमेंट ऑफ टाइम की स्टार्टिंग कहाँ से हुई जैसे अगर अपन को टाइम को मेजर करना है है हाँ ना तो वो कैसे करोगे आप अब आपको पता है कि आप तो हमारे पास भाई वॉचेस हैं है हाँ ना हमारे पास मोबाइल फोन्स हैं जिसमें हमें सीधे सीधे टाइम दिखता है ठीक है तो टाइम हमें किस में दिखता है तो टाइम हमें दिखता है आवर्स में मिनट्स में और सेकेंड्स में ठीक है अब बेसिक यूनिट जो है वो है सेकंड। अब ये तो आज की बात हुई कि हमारे पास तो सारी सुविधाएं हैं, सारी चीजें है कि जिसकी मदद से आप टाइम को देख सकते हो आपके पास वॉचेस है आपके पास रिस्ट वॉचेस है आपके पास डिजिटल वॉचेस हैं सब तरीके की वॉचेस हैं लेकिन अब से कुछ बहुत साल पहले की बात सोचिए ठीक है so, सो उस टाइम पर जब वॉचेस नहीं थी तो फिर टाइम का एनालिसिस कैसे किया गया तो जरा इस स्टोरी को अपन सोचते हैं कि अब आप ये सोच लीजिए कि आप किसी ऐसी दुनिया में चले गए हैं जहां पर किसी को मेजरमेंट ऑफ टाइम नहीं आता आपके पास भी घड़ी नहीं है तो आप कैसे पता लगाओगे कि भाई आज का दिन खत्म हो चुका है या कल की शुरुआत हो गई है तो आप देखोगे कि सनराइज कब हुआ और सनसेट कब हुआ सनराइज होगा दैट मीन्स कि स्टार्टिंग ऑफ डे हो चुका है सनसेट मतलब कि क्या हो गया कि वो आप किस पोजीशन पे पहुंच चुके होंगे इवनिंग टाइम पर ठीक है और फिर अगले दिन की जब सनराइज होगा तो उससे क्या अनुमान लगाया जाएगा कि हाँ एक दिन कंप्लीट हो चुका है ठीक है तो ये एनालिसिस कैसा था ये तो थोड़ा बहुत एनालिसिस था कि हाँ भाई सनराइज हुआ सनसेट हुआ उससे समझ में आ गया कि एक दिन की शुरुआत होके खत्म होना शुरू हो गया है ठीक है इससे क्या पता लगाया गया दिनों के बारे में ठीक है सनराइज और सनसेट से पता चला कि मॉर्निंग भी कुछ होती है और इवनिंग भी कुछ होती है ठीक है रात का अंधेरे से पता चला कि भाई अंधेरा या नाइट भी कुछ होती है तो तीन चीजें डिवाइड हो गई इंटरवल बना लिया अपन एक पूरे डे में सनराइज मतलब कि मॉर्निंग टाइम और जब सनसेट हुआ मतलब जब सन चला गया आसमान से तो वो इवनिंग टाइम हो गया और जब अंधेरा हो गया तो वो नाइट टाइम हो गया तो ये तीन चीजें ड्यूरेशन कंप्लीट हो गई ठीक है अब ये तो एक दिन की बात है, लेकिन अब मंथ भी होते हैं तो भाई मून की पोजीशन से मून के शेप से देखा गया कि भाई फुल मून कब है फुल मून के बाद ये धीरे 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 छोटा होता जाता है और गायब हो जाता है दैट मींस कि पूरा एक मंथ कंप्लीट हो जाता है क्लियर तो इसके इससे क्या निकला इससे पता चला अपने को महीने का कॉन्सेप्ट मंथ्स का कॉन्सेप्ट फिर कैसे पता किया ईयर का कॉन्सेप्ट तो भाई आपके जो मौसम है वो चार तरीके के होते हैं जब वो पूरे कंप्लीट हो जाए है ना और जो अपना अपने को तो ये बाद में चीज़ें पता चली कि भाई जो अर्थ है अर्थ है जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है उसकी वजह से ये जो साल है वो चेंज होता है लेकिन पहले सिर्फ मौसम के चेंजेस से उन्हें अनुमान लगाया कि हाँ भाई अभी विंटर्स है अभी ठंड का मौसम है अब बारिश का आएगा मतलब गर्मियों का आएगा फिर बारिश का आएगा इस हिसाब से सारी चीज़ें कैलकुलेट की जाती थी लेकिन क्या ये प्रॉपर कैलकुलेशन होता जी नहीं क्योंकि जब सन चला गया मान लीजिए कि अब वेदर आपका बारिश का सीजन है तो बारिश के सीजन में आपको कैसे पता चलेगा कि भाई इवनिंग कब हो रही है या मॉर्निंग का टाइम कैसे निकल गया ना? तो प्रॉपर टाइम के लिए फिर क्या किया गया प्रॉपर टाइम मेजरमेंट के लिए फिर बनाई गई कुछ सैंड सा, क्लॉक्स ठीक है तो बेसिकली सैंड क्लॉक क्या होती है कुछ इस तरीके की दिखने वाली क्लॉक्स होती थी जिनका यूज हम टाइम को आइडेंटिफाई करने के लिए करते थे सैंड क्लॉक्स को अपन आर ग्लॉस या सैंड टाइमर भी कहते हैं या सैंड ग्लास भी कहते हैं बेसिकली इसमें क्या होते हैं इसमें ना दो बल्ब होते हैं एक ही जैसे बिल्कुल सिमिलर सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल का क्या मतलब होता है एक समान तो दो बल्ब जिनका डायमीटर वगैरह बिल्कुल सेम होता है ऐसा अपन लेते थे दो बल्ब को और उनके बीच में एक नैरो ट्यूब लगाया गया नैरो ट्यूब मतलब एक पतला सा बीच में ट्यूब रहता है ठीक है अब इसमें भरी जाती है कुछ सैंड ठीक है और फिर अलग अलग तरीके से इसको डिजाइन किया गया और उन्होंने ये देखा कि जब आपके सनराइज से लेकर के ठीक है सनसेट तक या उस ड्यूरेशन में कितनी देर तक ये जो सैंड है वो बार बार गिरती है ठीक है उसके हिसाब से उन्होंने अलग 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 ड्यूरेशंस को निकाला और ये आइडेंटिफाई किया कि वही एक घंटे का कोई समय होता है ठीक है अब इन्होंने बहुत डी uh, ये थोड़ा सा मतलब तो ज़्यादा तो नहीं है लेकिन अभी अपने को इतना काम में नहीं है कैसे ये आर को उन्होंने आइडेंटिफाई किया बस ये है कि सैंड क्लॉक्स की मदद से क्या करते थे आर को आइडेंटिफाई करते थे कि एक घंटे का समय निकल चुका है ठीक है सो बेसिकली ये एक घंटे का टाइम आपको बताता था सो एन आर ग्लास और सैंड क्लास सैंड टाइमर सैंड क्लॉक और एग टाइमर इज या डिवाइस यूज टू मेजर द पैसेज ऑफ टाइम जिसकी मदद से हम टाइम के पैसेज या फिर टाइम को मेजर करते हैं इट कम्प्राइजेज टू ग्लास बल्ब कनेक्टेड वर्टिकली बाय नैरो नैक दैट अलाउज अ रेगुलेटेड फ्लो ऑफ सब्सटेंस दिस हिस्टोरिकली सैन का ही यूज करते हैं फ्रॉम द अपर बल्ब टू द लोअर वन ठीक है अपर बल्ब से लोअर बल्ब तक कितनी देरी में ये जो सैंड है वो गिर रही है उससे ये अनुमान लगाया कि एक घंटे का समय जो है वो निकल चुका है तो इन्होंने उस टाइम पर ऐसा एक घंटे का टाइम निकाला ठीक है टिपिकली द अपर एंड लोअर बल्ब आर सिमेट्रिक सिमेट्रिक जैसा मैंने आपको बताया है कि ऊपर वाला बल्ब और जो नीचे वाला बल्ब होता है वो लगभग सेम होता है सो दैट द आर ग्लास विल मेजर द सेम ड्यूरेशन रिगार्डलेस ऑफ ओरिएंटेशन दैट मीन्स की दोनों का से, से, शेप और साइज अगर सेम रहेगा तो जितनी देरी में वो नीचे नीचे सैंड गिराएगी और नीचे का भी वही अगर आपका सेम स्ट्रक्चर है तो वो रेत भी उसमें उतनी ही टाइम में भरेगी ठीक है तो जिससे ये पता चलता था कि भाई एक घंटे का समय जो है वो निकल चुका है क्लियर लेकिन अब इसमें भी एकदम प्रॉपर अपने को एक घंटे का टाइम तो पता चल गया लेकिन अगर अपने को मिनट्स देखना है ठीक है तो ये तो प्रॉपर नहीं है या फिर अलग अलग जगह जो मैन्युफैक्चर हुआ इसका तो वो कुछ अलग अलग हो जाता था कभी बिल्कुल एक घंटे का टाइम ना मिलकर के वो कुछ ऊपर नीचे हो जाता था तो मतलब ये प्रॉपर नहीं था लेकिन लगभग आपको एक आर का समय जो है वो इन सैंड क्लॉक से देखने को या समझने को मिल जाता था तो सैंड क्लॉक क्या है तो सैंड क्लॉक एक तरीके का एक ऐसा डिवाइस हुआ करता था जो कि बहुत पहले के जमाने में ज्यादातर यूज करते थे लोग अभी भी अपने डेकोरेटिव आइटम्स में सैंड क्लॉक्स को यूज करते हैं सैंड क्लॉक की मदद से आर का जो

द स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ टाइम अ गिवन आर ग्लास मेजर इज डिटरमाइंड बाय फैक्टर्स इंक्लूडिंग द क्वांटिटी एंड कोरिसनेस ऑफ द पर्टिक पर्टिकुलर मीटर मैटर द बर्ल साइज एंड द नेकविट अब किस uh, ये डिपेंड करता है कि सैंड क्लॉक प्रॉपर बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरी है क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है तो पहली चीज़ तो कि क्वांटिटी कि आपने जो क्वांटिटी ली हुई है सैंड की वो दो कितनी ली हुई है ठीक है कोरिसनेस जो कोरिसनेस uh, जो है सैन की वो अच्छी होना चाहिए ठीक है उसके बाद बल्ब का साइज प्रॉपर होना चाहिए और जो ट्यूब की मैं बात कर रही हूँ जो नेक होता है उसकी विथ भी बराबर होनी चाहिए तभी हमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ टाइम समझ में आता ठीक है सो वेन द अर्थ रोटेट्स अबाउट सिट्स एक्सेस द सन अपियर्स टू मूव अक्रॉस द स्काई कॉजिंग द ऑब्जेक्ट टू कास्ट द शेड्यू वेल आपने देखा होगा कि अगर मान लीजिए इस पॉइंट को समझा रही हूँ मैं है ना अब यहाँ पर अपनी सैंड क्लॉक की कहानी खत्म सैंड क्लॉक मतलब कि जिसकी मदद से पहले के जमाने के लोग जो है वो आर का एनालिसिस करते हैं कि एक घंटे का समय निकल चुका है ठीक है अब इसको और एक्यूरेट बनाने के लिए फिर दूसरी चीजों का इन्वेंशन हुआ ठीक है जो कि होता था सन डायल अब सन डायल का कॉन्सेप्ट समझने से पहले एक छोटी सी चीज को समझिए मान लीजिए कि कहीं एक ट्री लगा हुआ है है ना अब गर्मियों का टाइम है अपन क्या चाहते हैं कि भाई सूरज की जो रोशनी है जो सन की हीट है वो हम तक ना जाए तो आप पेड़ की छाव में बैठते हो तो आप देखते हो कि भाई जब सन सन की पोजीशन जो है वो धीरे 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 चेंज होती जाती है तो जैसे जैसे सन की पोजीशन चेंज होती है ऑब्जेक्ट्स की ऑब्जेक्ट की जो शेडो है वो भी क्या होती जाएगी चेंज होती जाएगी है ना जहां जहाँ आपका सन जाएगा उसके कंपैरिजन में उससे बनने वाली जो शेडो है वो आपको अलग अलग डायरेक्शन में दिखेगी ऑब्वियस सी बात है इस पे जब लाइट पड़ेगी तो वो रिफ्लेक्ट होकर के कहीं और जाएगी और इससे जो इसकी जो शेडो है जिस साइड पर वो लाइट नहीं पड़ रही है वो हमें क्या दिखती है शेडो के फॉर्म में दिखती है मतलब जो काला काला सा आपको दिखता है शेडो वो कैसे दिखती है जहां पर लाइट नहीं है ठीक है तो जैसे जैसे सन रोटेट करेगा इस ऑब्जेक्ट की शेडो भी चेंज होती जाएगी तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए कि ऑब्जेक्ट की शेडो जहां पर पड़ रही है और सन का जो घूमना है अब ये तो पता चल चुका था कि सन जो है हमारी अर्थ का रोटेशन करता है ठीक है तो उसी के रोटेशन की वजह से डे और नाइट कन्वर्ट होते हैं ठीक है तो इसी कॉन्सेप्ट की मदद से उन्होंने देखा कि भाई जब शेडो चेंज होती जाए है ना और एक पर्टिकुलर जगह पे पहुंच जाए दैट मीन्स कि आपका जो दिन है वो खत्म हो चुका है और अब नाइट का टाइम चालू होगा इसी कॉन्सेप्ट से बना फिर सन डाइल तो सन डाइल बेसिकली क्या होता है कुछ इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक गैनमोन होता है या फिर एक थिन रॉड होती है ये थिन रॉड ठीक है दैट कास्ट अ अडो ऑन टू आर प्लेटफॉर्म अटैच डिफरेंट टाइम्स अब यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स है इसको रख दिया जाता था बाहर ठीक है और जब सन की रोशनी पड़ती थी तो इस सन की रोशनी के पड़ने से मान लीजिए कि सन इस पोजिशन पे है ठीक है तो धीरे धीरे इसकी शेडो किस साइड पड़ेगी यहाँ से ठीक है तो धीरे 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 करते 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 आपको पूरा टाइम पता चलता जाता था ठीक है तो ये क्या है आपका सन डायल है जिसमें लगी हुई रॉड की शेडो की मदद से ये पता चला लगाया जाता था कि पूरे दिन में क्या क्या कितना कितना और शेडो के हिसाब से कौन कौन सा एक एक घंटा निकल चुका है ठीक है आई बात समझ में तो अगर आपने कभी देखा हो तो जंतर मंतर में आपको ये सनडाइल दिखेगा जो कि बहुत ही लार्जेस्ट सनडायल है जिसकी मदद से टाइम को मेजर किया जाता है और उसकी मदद से हम पॉइंट टू तक का टाइम जो है वो मेजर कर सकते हैं रिजल्ट so, uh, अब देखिए अब ये सन डायल की बात हो रही है सो एज अ रिजल्ट ऑफ द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सेस द विजिबल मूवमेंट ऑफ द सन चेंजेस डेली है ना अब देखिये अर्थ के एक्सेस पर घूमने से जो सन का आपका जो विजिबिलिटी है वो डेली पूरे दिन में चेंज होती जाती है द सन डायल सूज लॉन्ग एगो टू मेजर द टाइम ऑफ द डे किसी एक दिन का पूरे टाइम को निकालने के लिए सन डायल का बहुत पहले यूज किया जाता था इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट एज द दोजीशन ऑफ द सन इन द स्काई चेंज सो डेट द पोजिशन एंड द लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय एन ऑब्जेक्ट ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है सन की इंटेंसिटी मतलब कितनी तेजी से रोशनी पड़ रही है उससे ये जो शेडो बनती है वो डिपेंड करती है कि कितनी दूरी पर जाएगी या छोटी बनेगी ठीक है तो इसी चीज से, shadow, तो इस से बनने वाली जो है, उसकी पोजिशन और ऑब्जेक्ट की यह पता किया जाता था कि कितना टाइम हो रहा है ठीक है क्योंकि नीचे सरफेस पर टाइम का अलग 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 अलग, -अलग वैल्यूज लिखी हुई होती थी जिससे पता चल जाता था कि अब कितना बच चुका है या कितना टाइम हो चुका है ठीक है तो अब इसके बाद सनडाइल के बाद आप देख सकते हैं कि मैंने आपको भी बताया कि जंतर मंतर में आपको देखने को मिल जाएगा ऐसा सनडाइल अ फ्यू हंड्रेड इयर्स अगो द महाराजा जय सिंह टू ऑफ द जयपुर मेड टाइम तो so, इन्होंने एक बहुत ही बड़ा सनडाइल बनाया था टाइम को मेजर करने के लिए दीज कैन बी सीन एट द जंटर मंटर एट डेली आप डेली में अगर हैं आसपास कहीं तो आप जाकर के देखिए इसे कहते हैं विराट सम्राट यंत्र इज अ गैग्नेटिक सनडाइल प्लेस एट द सेंटर ऑफ जंतर मंटर ऑब्जर्विटी दिस इज ट्वेंटी सेवन मीटर लॉन्ग एंड रिनाउ एज द टॉलेस्ट सनडाइल इन द वर्ल्ड ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा सनडाइल है ठीक है मतलब वो बहुत बड़ी घड़ी ठीक है सबसे बड़ी दुनिया की घड़ी यही है विराट सम आ, जिसको विराट सम्राट आ, यंत्र कहते हैं द ट्रांसलेटिंग टू सुप्रीम इंस्ट्रूमेंट इज एन इक्शनल संडाइल एंड मेजर द टाइम अप टू द ऑफ टू सेकेंड बस आपको ये याद रखना है कि भाई ये जो सम्राट यंत्र है जो कि सबसे बड़ा है वर्ल्ड का वो दो सेकेंड तक का टाइम मेजर कर सकता है ठीक है वेल so well, ये सारी चीजें तो ठीक है खत्म हो गई है ना अब बारी आती है कि भाई टाइम का अगर मुझे मेजरमेंट करना है है ना तो ये तो बहुत पुराने जमाने की चीज हो गई तो यही बात को गैलीलियो ने सोचा और एक बार वो बैठे हुए थे ठीक है उन्होंने देखा कि एक पेंडुलम घूम रहा है एक बार एक ऑब्जेक्ट पेंडुलम मतलब क्या होता है पहले तो मैं आपको ये बता दू है हाँ ना तो पेंडुलम मतलब होता है एक सिंपल सा एक थ्रेड जो कि किसी एक फिक्स ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड हो फिक्स मतलब जहां ऊपर कोई चीज रोटेट नहीं कर रही है यहाँ से फिक्स ऑब्जेक्ट है नीचे कोई वेट है है हाँ ना तब उन्होंने देखा कि किसी बच्चे ने आकर के उसे ऐसा छोड़ दिया तो वो एक जैसा ऑसिलेशन करा ऑसिलेशन मतलब यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ बिल्कुल एक समान घूमता जा रहा है ठीक है बिल्कुल एक जैसा घूमता जाएगा घूमता जाएगा जैसे वो यहाँ से स्टार्ट हुआ तो वहीं तक जाएगा तो इस के कॉन्सेप्ट से या इस चीज़ को सोचते हुए उनके दिमाग में एक थ्योरी आई जिसका नाम था सिंपल पेंडुलम की थ्योरी ठीक है कि पेंडुलम एक्चुअल में क्या है तो उस पेंडुलम के कॉन्सेप्ट की मदद से उन्होंने दिखाया कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन एक मिनट के अंदर वो कितना लेती है या कितनी बार इस तरह से रोटेट करती है उससे उन्होंने एक मिनट बनाया ठीक है और उसी से इन्वेंट हुआ फिर पेंडुलम क्लॉक्स का ठीक है सो द क्लॉक दैट मेजर द टाइम एक्यूरेटली कुड बी मेड ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द सिंपल पेंडुलम बाय द इटालियन साइंटिस्ट गैलीलियो गैलेली अब गैलिलियो गैलेली के पेंडुलम के कॉन्सेप्ट थोड़े वास्ट हैं तो वो हमारी फिलहाल अभी हम उसको नहीं पढ़ रहे हैं अभी हमारे लिए इतना काफी है कि इनके इस इन्वेंशन से इनके पेंडुलम के कॉन्सेप्ट के इन्वेंशन से ही जो चीज़ निकल के आई उसी से बना क्लॉक जो कि थी पेंडुलम क्लॉक

ट्रांस देयर फोर बी यूज टू मेजर द टाइम ये कैसा होता है पीरियोडिक मोशन होता है अब मोशन वर्ड क्या है ये तो मैं आगे आपको समझाऊंगी पीरियोडिक का मतलब होता है कि एक जैसा है ना कोई चीज़ अगर यहाँ से शुरू होकर के यहाँ पर जा रही है ठीक है तो ये एक प्रॉपर मोशन हुआ उसका ट्रू थ्रू एंड फ्रो ठीक है तो ट्रू एंड फ्रो मोशन ये कहलाएगा कि भाई एक जैसा हर बार उतने ही डिस्टेंस पर उतने ही टाइम पर जा रही है ठीक है तो उन्होंने यही डिस्कवरी देखी दस दिस मूवमेंट इज पीरियोडिक होता है जो कि आप, अपने क्या करे? एक जैसा पैंडल बॉल कॉल्ड टू अगल पेंडुलम में क्या होता है, कि एक होता है जो की एक मेटल की बॉल के समान होता है जो की एक बॉब से ठीक है टाइटली एक स्ट्रिंग की मदद से कनेक्टेड होता है ठीक है ये जो बॉब है

सो इट इज द मेन पोजिशन इस पोजिशन को आप क्या कहते हो इस पोजिशन को हम कहते हैं इसकी मीन पोजिशन ठीक है तो जब कोई चीज रेस्ट की पोजिशन पर है मतलब वो अपनी मीन पोजिशन पर है इफ द बॉब इज गिवन अ स्मॉल पुश फ्रॉम इट्स पोजिशन ऑफ रेस्ट द पेंडुलम मेक्स टू एंड फ्रो मूवमेंट अबाउट इट्स अबाउट इट्स मेन पोजिशन अब अगर अपन ने इसको क्या किया एक किसी भी जगह से खींच दिया किसी भी जगह से इसको अपना हटा करके इसे छोड़ दिया तो ये टू एंड फ्रो मोशन करना लगेगी ठीक है मतलब बी अगर मान लीजिए आप बी की तरफ खींचते हैं तो ये बी से ए फिर ए से ओ आएगी फिर ओ से बी जाएगी तो ये क्या हो जाएगा इसका टू एंड फ्रो मोशन सो द टाइम टेकन फॉर वन टू एंड फ्रो मूवमेंट दैट इज फ्रॉम ओ टू ए टू ओ टू बी एंड बैक टू ओ टू एंड फ्रो मोशन कैसे समझेंगे मान लीजिए कि आपने किसी चीज को यहाँ पर इस तरह से यहां से पुश किया खींचा तो ये ए की पोजिशन पर चली गई अब अगर आप इसे यहां खींचोगे तो ये अगर आप इसे छोड़ोगे तो ये कहाँ पर आएगी वापस से ए से आएगी ये किस पर ओ पर आएगी ओ से फिर ये जाएगी बी पोजिशन पर है ना क्योंकि आप जितने डिस्टेंस पर इसको खींचते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को जो कि ऐसे वेट होता है जिसका नीचे वो उतना ही डिस्टेंस पर जाती है है ना तो ये बी तक जाएगी और फिर वापस से कहां पर आएगी ओ तक जाएगी ठीक है तो ये होता है वन टू एंड फ्रो मोशन आई होप आप समझ गए हो कि ओ से ए जाना ए से ओ आना ओ से बी और अगेन अगर वो ओ पे आ रही है तो ये क्या होता है टू एंड फ्रो मोशन होता है तो पेंडुलम के केस में ये पूरा का पूरा सेम होता है ठीक है फॉर ए फिक्सड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अगर ये स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो फिक्स रहे मतलब कि अगर ये मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल वन मीटर की है और हमेशा अगर आपने इस स्ट्रिंग को वन मीटर का ही रखा और अगर आप इसको उतने ही डिस्टेंस पर जितना आप ए है उतने ही डिस्टेंस पर अगर आप इसको छोड़ते हो ठीक है तो ये हमेशा ये एक पीरियोडिक मोशन और टू एंड फ्रो मोशन करेगी दैट मीन्स कि उतनी दूरी पर जाएगी फिर बी पर जाएगी ये चलता रहेगा ये मूवमेंट ठीक है सो द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट वेयर इट इज़ हैंग टू द सेंटर ऑफ द बॉब इज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम ठीक है तो ये जिस जगह से कनेक्टेड है ये क्या कहलाएगी इसके सेंटर से लेकर के बॉब के यहां से ये कितना तक यहां इस तक इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है ये कहलाती है आपकी किसकी लेंथ ये कहलाती है स्ट्रिंग की लेंथ द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट वेर इट इज हैंग टू द सेंटर ऑफ द द बॉब इज लेंथ ऑफ द पेंडुलम तो ये क्या हो जाएगी आपकी लेंथ ऑफ पेंडुलम निकालना हो तो यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस होगा अगर इसको मेजर करोगे तो ये आपको पेंडुलम की लेंथ देता है तो अभी आप क्या समझ रहे हैं बच्चे अगर कंफ्यूज हैं तो भाई आपको फिर से बता दूं मैं कि हम समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पेंडुलम ठीक है अब इसकी जो थ्योरी है वो थोड़ी सी और वास्ट है तो हमने इसको थोड़ा शॉर्ट कर लिया हमारे समझने के लिए कि गैलीलियो गैली ने ये एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने देखा कि भाई एक टू एंड फ्रो मोशन जो होता है किसी भी पेंडुलम का वो पूरे टाइम एक पीरियोडिक और सेम रहता है, है ना पीरियोडिक मतलब कि एक बार बार अपने आप को रिपीट करने वाला और एक जैसा तो हम वही देख रहे हैं कि अगर हमें पेंडुलम बनाना है या हमें इस चीज को चेक करना है तो वो कैसे चेक करेंगे तो हम आपको बता रहे हैं कि वो कैसे चेक हो रहा है ठीक है सो so, ये सारी चीजें अपन ने पेंडुलम के केस में पढ़ी सो वन कंप्लीट टू एंड फो फ्रो मूवमेंट ऑफ द पेंडुलम इज कॉल्ड द ऑसिलेशन ठीक है अब पेंडुलम के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है ऑसिलेशन कि कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन ये कंप्लीट करती है दैट मींस कि जो टू एंड फ्रो मोशन है वो कितना कितनी बार देती है ठीक है सो so, ये जो टू एंड फ्रो मोशन है उन्होंने देखा कि एक मिनट के अंदर मान लीजिए कि वो साठ बार साठ इस तरह से मूव कर रही तो जिससे मिलकर के उन्होंने क्या बताया कि साठ सेकेंड में ये कितनी एक मिनट के अंदर ये साठ बार कर रही तो उससे मिनट का कॉन्सेप्ट उनको समझ में आया ठीक है तो इसी तरीके से बनी आपकी पेंडुलम क्लॉक्स अब ये जो मूवमेंट है टू एंड फ्रो मोशन और वो कैसा होता है अब आप समझ चुके हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को आप जिस पॉइंट से छोड़ते हो वो जहां तक जाता है तो उतने उसी पॉइंट से वो वापस उसी जगह पर आएगा और जितने डिस्टेंस तक आप उसको ले गए थे उसी डिस्टेंस को दूसरी साइड में कवर करके वापस उस जगह पर अगर आता है तो वो उसका वन ऑसिलेशन कहलाता है मान लीजिए कि ये ये और ये ये क्या हुआ एक कंप्लीट ऑसिलेशन फिर ये जाएगा ऐसा ये दूसरा ये कितना हो गया ये तीसरा तो ये क्या कहलाता है ऑसिलेशन सो वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ द पेंडुलम इज कॉल्ड द ऑसिलेशन द टाइम टेकन बाय पैंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज नोन एज इट्स टाइम पीरियड ठीक है तो एक किसी पैंडुलम को एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसे उसका टाइम पीरियड कहते हैं द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पैंडुलन कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अब ने देखा कि भाई स्ट्रिंग जो है है ना अगर किसी पैंडुलम को मान लीजिए कि एक सेकेंड पॉइंट फाइव सेकेंड्स लगते हैं एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में अगर मुझे उसको चेंज करना है तो मैं क्या करूँगी उसकी थ्रेड को बढ़ा दूंगी तो हो सकता है कि उसको जो टाइम लग रहा है वो ज़्यादा लगने लग जाए ठीक है सो द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पैंडुलम कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग A pendulum ऑफ अबाउट 25 cm सेंटीमीटर लेंथ टेक 1 वन सेकेंड फॉर वन and एंड movement मूवमेंट अबाउट इट्स पोजिशन ऑफ रेस्ट ठीक है तो अगर कोई एक 25 सेंटीमीटर लंबी थ्रेड है और उसकी मदद से अगर आप उसका टू एंड फ्रो मोशन देखना चाहोगे तो वो कितना टाइम लगाती है वो एग्जैक्टली वन सेकेंड लगाती है ठीक है एक ट्रू एंड फ्रो मोशन के लिए तो अगर पच्चीस सेंटीमीटर की लेंथ को मैं मिनट में देखना चाहूं कि वो कितनी बार इधर उधर मूव करती है तो हो सकता है कि वो 60 है, मतलब कि वो लगाए मतलब ऑसिलेशन आपको इस तरीके के मिलेंगे क्लियर? मूवमेंट ऑफ द ऑफ द क्लॉक अब बेसिकली क्या होता है कि ये जो पेंडुलम का ऑसिलेशन है पेंडुलम का जो रोटेट करना है वही क्या करता है इस क्लॉक के जो आप, आपके जो हैंड्स जो, जो, हैं ठीक है मेरे हैंड है आर एंड है इस सभी को कौन कंट्रोल करते हैं यह पेंडुलम कंट्रोल करते हैं इसी के मूवमेंट से फिर क्या होता है ये नीचे की तरफ शिफ्ट होता है सो द मैकेनिक मैकेनिकल रिस्ट वॉच ये तो पैंडुलम क्लॉक की बात हो गई तो पेंडुलम में क्या होता है पेंडुलम क्लॉक में द प्रिंसिपल ऑफ पेंडुलम इज यूज टू मेक द पेंडुलम क्लॉक वेयर द ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द हैंड्स ऑफ कॉक क्लॉक ठीक है और अगर इसी क्लॉक के हैंड्स के मूवमेंट को किया जाए तो उसी से अपने को टाइम पता चलता है ठीक है तो वेल पेंडुलम क्लॉक के बाद आई फिर आपकी रिस्ट वॉच जो कि होती है मैकेनिकल रिस्ट वॉच ठीक है तो उसमें क्या लगा होता है तो मैकेनिकल रिस्ट वॉच हैज बैलेंस्ड व्हील इंस्टेड ऑफ पेंडुलम पेंडुलम की जगह उसमें व्हील होता है जो कि बैलेंस्ड होता है विच सर्व द द सेम पर्पस मतलब उसमें व्हील लगा होता है अगर आपने पुराने किसी वॉच को खोल करके देखोगे तो आप देखते हो कि उसमें व्हील होता है ठीक है जिसके रोटेशन की वजह से जो ये जो हैंड्स में निट्स के जितने भी आपके हैंड्स हैं वो मूव करते हैं सो इलेक्ट्रॉनिक रिस्ट वॉचेस अब ये तो आपके मैकेनिकल रिस्ट वॉचेस थोड़ी और पुरानी हो गई फिर कौन सी आई इलेक्ट्रॉनिक रिस्ट वॉचेस तो इसमें कुछ दूसरी चीज़ होती है इसके अंदर लगा होता है क्वार्स का क्रिस्टल है ना इलेक्ट्रॉनिक रिस्ट वॉचेस वर्क ऑन द डिफरेंट प्रिंसिपल दीज वॉचेस हैव द क्रिस्टल ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड द क्वार्स ठीक है इनके अंदर क्या लगा होता है

हंड्रेड सेवन हंड्रेड सिक्सटी एट वाइब्रेशन इंटू वन इलेक्ट्रिक पल्स दीज क्रिस्टल्स कैन वाइब्रेट वेरी फास्ट एंड एट अ वेरी प्रीशियस रेट बेसिकली क्या होता है कि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक वॉचेज होंगी इलेक्ट्रॉनिक वॉचेज़ मतलब कि जिसमें हम छोटी सी बैटरी लगाते हैं है ना जितना भी इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल होता है दैट मीन्स कि वहाँ पर हमने किसका यूज़ किया है चार्ज का यूज़ किया है इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ किया है तो जो बैटरी होती है वो आपको चार्ज ही देगी तो अब बेसिकली क्वार्स का जो क्रिस्टल होता है ना वो कैसा होता है कि जैसे ही उस पर करंट पड़ता है तो वो वाइब्रेट होता है ना तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि एक बैटरी लगी होती है जो कि करंट देती है वॉच के सर्किट पर ठीक है अब मान लीजिए कि सर्किट है वॉच का है ना यहाँ पर अपन ने लगाया हुआ है क्रिस्टल ठीक है एक सेकेंड ठीक है आपका सर्किट है जिसमें आपने यहाँ पर लगा दी है बैटरी ठीक है तो ये बैटरी जैसे ही ऑन होगी दैट मीन्स कि जैसे ही इसमें से करंट जाएगा तो इस क्रिस्टल पर जाएगा तो अब करंट जैसे ही क्रिस्टल को मिलता है तो क्रिस्टल क्या होता है दिस करेंट कॉजेज द कॉर्ड्स टू वाइब्रेट जैसे ही इस पर जाएगा तो ये जो क्रॉस जो क्रिस्टल है कॉर्ड्स का वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाता है है ना सो so, ये एक सेकेंड के अंदर कितनी बार वाइब्रेट होता है थर्टी टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड सिक्सटी एट टाइम तो जिससे क्या बनता है एक सेकेंड समझ में आ जाता है ठीक है द सर्किट काउंट्स द ऑसिलेशन एंड टर्नस ईच थर्टी टू हंड्रेड से थर्टी टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड सिक्सटी एट वाइब्रेशन इंटू वन इलेक्ट्रिक पल्स अब इसमें और सारे सर्किट्स लगे होते हैं जो कि जैसे ही ये एक बार पूरा वाइब्रेट हो जाता है एक सेकेंड के अंदर तो ये एक पल्स आगे की तरफ भेज देता है और इस पल्स की वजह से ही जो टाइम है वो एक सेकेंड आगे बढ़ जाता है ठीक है तो ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है मतलब बैटरी ने करंट दिया ये वाइब्रेट हुआ उसके वाइब्रेशन से ठीक है एक पल्स बनती है एक इलेक्ट्रिक पल्स और वो पल्स जाकर के क्या करती है एक सेकेंड का टाइम वहां पर आगे कर देती है फिर ये करंट जाता है फिर वो वाइब्रेशन होता है ठीक है थर्टी टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड सिक्सटी एट टाइम वो वाइब्रेट हुआ तो फिर एक और पल्स मिली फिर वो दो सेकेंड हो गया फिर वाइब्रेट हुई तीन सेकंड हो गया तो इस तरह से ये पूरा रिस्ट वॉच जो है कॉर्ड्स का वो वर्क करता है सो दीज क्रिस्टल कैन वाइब्रेट वेरी फास्ट एंड आ वेरी प्रीशियस और ऑब्वियसली बात है कि एक सेकेंड के अंदर इतनी बार वाइब्रेट करें मतलब कि वो बहुत ही ज्यादा फास्ट वाइब्रेट करते हैं और बहुत ही प्रीशियसली होते हैं कि हर बार इतना ही वाइब्रेट करें ठीक है सो दीज वाइब्रेशन आर यूज टू मेजर द टाइम एक्यूरेटली अब कोई चीज अगर रिपीटेडेडली होती है है ना तो उसी की मदद से हम टाइम निकाल पाते हैं जैसे पेंडुलम पेंडुलम को ही क्यों यूज किया गया टाइम को निकालने के लिए क्योंकि वो बार बार अपने आप को रिपीट कर रही थी वो पीरियोडिक मोशन दे रही थी है ना बार बार कोई चीज जब रिपीट करती है तो उसकी मदद से आप टाइम निकाल पाते हो आप सब बातों को समझे जैसे कि दिन भी आपका जो सनराइज और सनसेट है वो हर बार होता है हर बार रिपीट होता है इसी के कारण तो आप टाइम निकाल पाए डे निकाल पाए जो आपका मून का पोजीशन है वो हर बार हर मंथ में चेंज होता है तो इसी की वजह से आप मंथ का कॉन्सेप्ट लगा पाए और इसी तरीके से क्योंकि अर्थ जो है वो आपके सन के चक्कर लगाती जा रही है लगाती जा रही है तो वो भी एक तरीके से पीरियोडिक तरीके से वो अपने को रिपीट करती जा रही है इसी के हिसाब से आपने क्या निकाल लिया आपने ईयर का कॉन्सेप्ट निकाल लिया तो इसका मतलब कि कोई भी चीज अगर कंटिन्यूसली पीरियोडिक मोशन करती है तो उसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं उसकी हेल्प से हम टाइम निकाल सकते हैं और आपने देखा कि सारी जगह जितने भी टाइम के कॉन्सेप्ट हैं, उसमें इन्हीं पीरियोडिक मोशन का यूज हो रहा है ठीक है तो यहां पर हमने क्रिस्टल के कॉन्सेप्ट को देखा अब अब कॉर्ड्स क्लॉक इज मच मोर एक्यूरेट देन द पेंडुलम क्लॉक क्योंकि कॉर्ड्स एक इलेक्ट्रॉनिक वॉच है उसमें बहुत सारी चीजें बहुत जल्दी जल्दी होती है पेंडुलम क्लॉक में तो क्या होगा कि मान लीजिए स्ट्रिंग कहीं से लूज हो गई तो फिर आपको प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाएगा जो बॉब है अगर वो ही खराब हो गया अगर उसमें वो थोड़ा उसका कनेक्शन लूज हो गया तो वो फिर सही टाइम नहीं दे पाएगा तो इसीलिए जो कॉर्ड्स की क्लॉक है वो ज्यादा एक्यूरेट है एज कंपेयर टू पेंडुलम क्लॉक अब इसके अलावा आपने और वॉचेस देखी होगी तो अब तो स्मार्ट वॉचेस आ गई हैं जिसमें कि सेंसर्स लगे होते हैं डिजिटल वॉचेस लगी हो डिजिटल वॉचेस होती हैं जो कि जिसमें हमें सीधे सीधे क्या मिल जाती है डिजिट्स में वैल्यूज मिल जाती हैं क्योंकि उसमें ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बना होता है ठीक है जो कि इन सारी चीजों को फटाफट से आपको सीधे सीधे डिजिट्स में दे देता है वेल स्टॉप वॉच क्या होती है तो स्टॉप वॉच को आपने जनरली जब आप रेस लगाते हो तो उसमें अपन यूज करते हैं तो स्टॉप वॉच इज़ यूज फॉर मेजरिंग द शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम एक्यूरेटली थोड़ी देर का टाइम अगर अपने को मेजर करना है तो उसके लिए अपन स्टॉप वॉच का यूज़ करते हैं नाउ नाउन सेवरल डिजिटल वॉचे अवेलेबल इन द मार्केट कैन ऑल्सो भी यूज एज स्टॉप वॉचेज अब डिजिटल वॉच को तो आप स्टॉप वॉच की तरह यूज़ कर ही सकते हो क्योंकि डिजिटली अपन टाइम सेट कर सकते हैं Many of these digital watches do not have the hour, minute, and second hands. That is, they uh, display time in digits. तो so, इसमें आपको time जो है वो सीधे सीधे digits में मिल जाता है ठीक है चलिए तो well subject का नाम है motion, ठीक है And time. लेकिन अब आप सोचेंगे कि भाई मोशन एंड टाइम पढ़ने के लिए हमने टाइम को तो पढ़ लिया मोशन का क्या मतलब होता है ठीक है तो मोशन चीज को समझने के लिए हमें जरूरी है समझना स्पीड को ठीक है मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट याद रखिए मोशन शब्द क्या होता है द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट इज नोन एज मोशन तो अगर इस चीज को मैं आपको ड्रॉ uh, करके समझाऊं कि एक्चुअल में मोशन की डेफिनेशन क्या है तो आप ये देख सकते हैं मोशन मोशन की डेफिनेशन मैंने क्या लिखी हुई है चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट तो अब ये रेफरेंस पॉइंट वर्ड का मतलब मैं एक बार आपको फिर से समझा देना चाहती हूँ कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है कि मान लीजिए कि आप स्टार्ट करते हैं चलना स्कूल से ठीक है कहां तक आपके घर तक ठीक है तो स्कूल से लेकर के आप घर तक आए आप किसी को क्या बताओगे कि आप कहां से चलना शुरू हुए थे तो आप बताएंगे कि आप स्कूल से चलना शुरू हुए और आप घर तक पहुंचे ठीक है तो ये क्या कॉन्सेप्ट है कि आपने मोशन किया मोशन मतलब चलना दौड़ना ठीक है तो आप कहा से चले तो आप जिस पॉइंट से चलते हो जिसकी मदद से अपन ये आइडेंटिफाई कर सके कि कितना आप चले हैं कितना डिस्टेंस आपने कवर किया है तो उसे हम उसका रेफरेंस पॉइंट कहते हैं जैसे यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट क्या है कि आपसे कोई पूछे कि आप कितना चल करके आए हो तो आप बोलोगे कि मैं पांच किलोमीटर चल के आया हो तो किस पॉइंट से चल के आए हो तो आपने मोशन कहां से स्टार्ट किया तो आपने स्टार्ट किया, तो आपने किया स्कूल से तो किसी भी रेफरेंस पॉइंट से जब कोई चीज अपना पोजीशन को चल, चेंज करती है कि मान लीजिए कि पहले आप ए पोजीशन पर थे और पहुंच गए आप बी पोजीशन तो दैट मींस आप जैसे ही ए से बी पोजीशन पर पहुंचे तो आपने क्या किया है आपने मोशन किया है किसके रिस्पेक्ट में इन रेफरेंस पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में आप ए से बी की तरफ आए ठीक है या आप यह भी कह सकते हो कि आप बी से जब ए की तरफ आते हो तो यह भी आपका मोशन है तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजिशन को चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू रिफरेंस कोई चीज अपनी पोजिशन को चेंज कर रही है तो इसमें क्या चेंज हो रहा है या इसमें क्या आपको एक नया क्वांटिटी मिल रहा है क्योंकि आप मोशन को मेजर तो नहीं कर सकते है ना क्योंकि एक ये एक, एक फिनोमिना है ठीक है जैसे आपका थंडर एक फिनोमिना है या आपका जो रेन है वो एक फिनोमिना है उसी तरीके से मोशन भी क्या है एक फिनोमिना तो ये फिनोमिना वर्ड मतलब कि जिसको आप मेजर नहीं कर सकते हो लेकिन जब मोशन क्या मतलब हो तो रहा है आप एक जगह से दूसरी जगह तो पहुंच रहे हैं तो जब आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहे हो तो उस चीज पे क्या चेंज हो रहा है तो उस टाइम चेंज हो रहा है यहां से डिस्टेंस या फिर जब आप मोशन करते हो तो आप क्या कर रहे हो आप डिस्टेंस को कवर कर रहे हो जैसे कि आप अगर स्कूल से होम तक जाओगे तो क्या होगा आप यहां से यहां तक का डिस्टेंस कवर करोगे फॉर एग्जाम्पल वो है पांच किलोमीटर तो डैट मीनस कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया यहाँ पर आपने कवर किया पांच किलोमीटर का डिस्टेंस तो मतलब जब अपन मोशन पढ़ते हैं तो हमें डिस्टेंस निकालना बहुत जरूरी है ठीक है तो आप एक इंसान है जो कि आप चलते हुए जा रहे हैं अब मान लीजिए कि आप बाइसिकल पर बैठे हो तो क्या आपको ये डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा और जब आप चल रहे थे इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा तो वो बात अलग हो जाएगी तो मतलब कि जब अपन मोशन पढ़े तो अपने को दूसरी चीज क्या देखनी है अपने को दूसरी चीज पढ़ना थी टाइम इसीलिए अभी तक हम किस चीज़ के बारे में पढ़े थे अभी तक हमने मेजरमेंट पढ़ लिया जिससे हमने ये देखा कि अगर मुझे किसी चीज़ की दूरी को नापना है तो फिर मैं किस तरह से नापूंगी इसलिए हमने वहां से डिस्टेंस को और उसकी यूनिट्स को पढ़ा फिर हमने टाइम को पढ़ा क्योंकि हम जब मोशन अगर हमारे चैप्टर का नाम है और अपन टाइम ना पढ़ेंगे तो फिर हम मोशन को समझ ही नहीं सकते ठीक है तो टाइम फिर हमने इसको पढ़ा कि भाई टाइम को कैसे मेजर किया जाता था उसको किस कि, किस यूनिट से निकालते हैं तो हम सारी चीज़ें समझ गए और हमें पता चल गया कि डिस्टेंस को हम मीटर में एसआई यूनिट्स में और टाइम को हम सेकंड्स में मेजर करते हैं अब मोशन क्या होता है कि चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट तो अब इससे ये चीज निकल कर ये आई कि भाई कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन करेगा तो वो डिस्टेंस किसी कोई ना कोई डिस्टेंस को कवर करेगा तो उस डिस्टेंस को आपने कर लिया यहां पर मेजर ठीक है अब डिस्टेंस को कितनी देरी में कवर करेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है मान लीजिए कि एक इंसान है इंसान की जगह अगर मान लीजिए यहाँ पर चीता होता ठीक है तो चीता क्या करेगा भाई चीता जो है वो और जल्दी पहुंच जाएगा तो मतलब डिस्टेंस के साथ किसका कॉन्सेप्ट और जुड़ जाएगा टाइम का कॉन्सेप्ट जुड़ जाएगा तो जब डिस्टेंस और टाइम मिलते हैं ठीक है कि कोई चीज किसी चीज को कितनी देरी में कंप्लीट कर रही है कोई डिस्टेंस कितनी देरी में कन्वर्ट कर लिया कंप्लीट कर रही किसी डिस्टेंस को कितनी देरी में पूरा कवर कर ले रही है तो उससे निकल के आता है कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड ठीक है क्या कॉन्सेप्ट निकल के आएगा अब स्पीड तो अगर आपको मोशन पढ़ना है तो हमें सबसे पहले देखना होगा डिस्टेंस के बारे में टाइम के बारे में और जिनसे मिलकर बनता है स्पीड ठीक है तो डिस्टेंस कोई चीज़ कितनी देरी में कवर कर रही है उसी को आप उसकी क्या कहते हो स्पीड कहते हो क्योंकि तो आप मोशन तो कर रहे हो लेकिन मोशन कैसे कर रहे हो किसी स्पीड में करोगे ठीक है तो किसकी स्पीड क्या है इसको जानना चाहिए जरूरी है सो so, अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्पीड तो स्पीड बेसिकली क्या होती है इट स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम ठीक है कोई ऑब्जेक्ट किसी डिस्टेंस को एक पर यूनिट टाइम में कितनी देरी में कंप्लीट करती है कवर करती है उसी को हम उसके स्पीड कहते हैं जैसे कि अगर मैं इसी एग्जांपल को देखूं तो इट इज़ हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग स्पीड इज द स्केलर अब दूसरी चीज़ ये कि स्पीड का मतलब आप ये भी कह सकते हो कि कोई चीज़ कितनी तेजी से मूव कर रही है उसको भी हम क्या कह सकते हैं उसे भी हम स्पीड कह सकते हैं मतलब मूवमेंट यहाँ पर आ गया मोशन यहाँ पर भी आ गया ठीक तो तो है पर आप याद रखिए स्केलर क्वांटिटी है ठीक है तो द फास्टेस्ट मैन ऑन द अर्थ कैन रन वन मीटर इन लेस देन टेन सेकेंड ठीक है अब मान लीजिए कि ये हंड्रेड मीटर का रास्ता है ठीक है इसकी जगह मैं लिख देती हूँ हंड्रेड मीटर ठीक है तो एक जो फास्टेस्ट मैन है वो इस 100 मीटर को 10 सेकंड में कवर कर ले रहा है shuttle, कितने देर में कवर कर, ला, कर रहा है जो है जो वो इस डिस्टेंस को 10 सेकंड्स में कवर करता है ठीक है अब मैन की जगह पर मैंने क्या कर दिया मैन की जगह पर आ गया भाई चीता वो इसी डिस्टेंस को कितनी देर में कवर कर लेगा इसी डिस्टेंस को वो कवर कर लेगा आपके चार सेकेंड में ठीक है अब चीता के बाद हमने इससे भी फास्ट चीज देखी तो इससे ज्यादा फास्ट चीज क्या होगी जेट प्लेन होगा तो जेड प्लेन इतनी डिस्टेंस को कितनी देर में कवर कर लेता है तो आपका ये जो जेड प्लेन है ये इस जगह को कवर कर लेता है में कितनी देर में पॉइंट वन सेकेंड में तो मतलब कि स्पीड के साथ जुड़ा हुआ है डिस्टेंस और टाइम और जिसी से के बलता है स्पीड तो स्पीड क्या है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू यूनिट टाइम या फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट ऑफ टाइम इज नोन एज स्पीड ठीक है तो स्पीड को ये भी कह सकते हो कि कोई चीज कितनी तेजी से मूव कर रही है ठीक है सो वी कैन कंपेयर हाउ फास्ट ईच वन फाइंडिंग आउट द डिस्टेंस ऑफ देम इन अ फास्टिंग टाइम द टाइम इज यूजली टेकन एज वन सेकेंड और वन आवर है ना तो कोई चीज कितनी तेजी से मूव कर रही है मतलब कि किसी की स्पीड क्या है तो उसको अपन मेजर कर सकते हैं लेकिन रेफरेंस क्या लेते हैं वन आर या फिर वन सेकेंड का so the fastest man will run 10 meter in 1 second cheetah will run 25 minutes in 1 second uh, and uh,

स्पीड का यूज तो भाई बहुत सारी जगह अपन करते ही करते हैं रेस हो चाहे आपके जेट प्लेन हो चाहे ट्रेन हो सभी की स्पीड का एनालिसिस किया जाता है जिससे ये पता चलता है कि कोई चीज कितनी देरी में कहाँ तक पहुंचेगी तो वो डिपेंड करता है उसकी स्पीड पर है ना जैसे आप देख रहे हो कि जो सबसे तेज है जेड प्लेन वो हंड्रेड वन मीटर कर लेता है एक सेकेंड में कवर ठीक है और एक सेकेंड में चीता कितना कवर कर लेगा 25 मीटर तो मतलब अगर अपने को डिस्टेंस पता हो और टाइम पता हो तो हम स्पीड किसी भी चीज की निकाल सकते हैं या फिर अगर मुझे स्पीड पता है तो उसकी हेल्प से मैं या डिस्टेंस पता हो तो मैं उसकी मदद से टाइम निकाल सकती हूँ ठीक है तो ये कैसे करेंगे तो चलिए जानते हैं सो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड ये बात आप पहले तो याद रखिएगा स्पीड के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि वॉट यू मीन बाय स्पीड तो आप बता दीजिएगा डिस्टेंस कवर्ड बाई द मूविंग ऑब्जेक्ट इन अट इन यूनिट टाइम इज नोन एज अ स्पीड सो स्टैंडर्ड यूनिट जो स्पीड को मेजर करने की यूनिट होती है वो क्या होती है तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है जैसा मैंने आपको बताया स्पीड क्या होती है डिस्टेंस कवर्ड इन अमिट टाइम में हम कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं ठीक है तो अगर स्पीड को मुझे लिखना है तो मैं ये लिखूंगी डिस्टेंस कवर्ड इन अूनिट टाइम ठीक है तो अगर मुझे डिस्टेंस की अगर स्पीड की मुझे यूनिट निकालनी है तो स्पीड की यूनिट क्या होती है वो सॉरी स्पीड की अगर मुझे यूनिट निकालनी है तो मैं डिस्टेंस और टाइम की यूनिट्स की मदद से निकालूंगी डिस्टेंस क्या होता है मीटर में स्टैंडर्ड यूनिट और टाइम की क्या होती है सेकंड्स तो स्पीड की यूनिट क्या हो गई तो स्पीड की यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड ठीक है तो यहां पर देखिए द स्पीड द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग द स्पीड इज मीटर पर सेकेंड क्यों हो गई मीटर पर सेकेंड क्योंकि स्पीड का डेफिनेशन क्या होता है डिस्टेंस कवर इन अ यूनिट टाइम एक यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस आपने कवर किया है उससे हम क्या निकालते हैं स्पीड तो दैट मीन्स कि क्योंकि इसकी जो यूनिट है इसकी मीटर पर सेकेंड है इसलिए आपकी जो स्पीड uh, है उसकी यूनिट भी क्या होगी मीटर पर सेकेंड तो अगर मुझे यह बताना है कि फास्टेस्ट मैन की स्पीड क्या है तो आप बताओगे टेन मीटर पर सेकेंड क्यों टेन मीटर पर सेकेंड है कि वो दस मीटर को एक सेकेंड के अंदर कवर करता है ठीक है मतलब दस मीटर कितने देर में चलेगा एक सेकेंड के अंदर दौड़ लेगा ये ठीक है और स्पीड ऑफ चीता निकालना है तो कैसे निकालोगे क्योंकि वो एक सेकेंड में कितना मीटर कवर कर लेता है पच्चीस मीटर कितना कवर करता है 25 मीटर क्योंकि 25 मीटर क्या है उसका डिस्टेंस है और टाइम कितना लगा उसको एक सेकेंड तो इसलिए उसकी स्पीड क्या हो जाएगी 25 मीटर पर सेकेंड अब जो टाइम है ना वो हमेशा यूनिट होगा यूनिट मतलब या तो एक आर आप लोगे या फिर एक सेकेंड्स के अंदर कितना होता है ठीक है डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है लेकिन टाइम हमेशा कैसा होगा यूनिट क्योंकि स्पीड की डेफिनेशन क्या है स्पीड की डेफिनेशन है द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम यूनिट टाइम मतलब कि एक घंटा एक मिनट या एक सेकेंड ठीक है आप उसकी यूनिट कुछ भी ले सकते हो लेकिन यूनिट हमेशा मतलब उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा वन रहेगी एक और उसकी जगह आप या तो सेकंड यूज़ कर लो या आर यूज़ कर लो या फिर मिनट्स यूज़ कर लो ठीक है तो अपन यहाँ सेकंड्स में देख रहे हैं स्पीड का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वो यही होता है मीटर पर सेकेंड तो कोई चीज़ कितना मीटर कितने सेकेंड में आ, कितना मीटर कंप्लीट कर रही है एक सेकेंड के अंदर वही क्या कहलाएगी उसकी स्पीड कहलाएगी जैसे जेड प्लेन क्यों इन सभी से तेज है क्योंकि हमने देखा कि एक सेकेंड के अंदर वो इन दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है इसीलिए ये ज्यादा तेज है समझ में आया तो इसलिए अपन को क्या समझ में आया कि भाई ये जो इसकी स्पीड है सबसे ज्यादा होगी अब मैं आपसे पूछूं कि भाई मैन और चीता में सबसे ज्यादा कौन फास्ट है तो आप क्या देखोगे कि भाई ये जो एक सेकेंड के अंदर दस मीटर कवर कर रहा है और ये एक सेकेंड के अंदर पच्चीस मीटर कवर कर रहा है तो ज्यादा कौन चल सकता है ज्यादा डिस्टेंस कौन कवर कर ले रहा है ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है ये चीता तो दैट मीन कि इसकी स्पीड जो है ये फास्टेस्ट मैन से ज्यादा होगी तो आया आपको स्पीड का कॉन्सेप्ट समझ और क्यों हम मोशन में स्पीड पढ़ रहे हैं क्योंकि मोशन फिनोमिना है और मोशन का मतलब होता है डिस्टेंस कवर्ड इन डिस्टेंस कवर्ड ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट तो कोई मतलब ऑब्जेक्ट द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट मूवमेंट करना मतलब कि किसी डिस्टेंस को कवर करना और सब डिस्टेंस जब कोई भी कवर करता है तो वो टाइम के रिस्पेक्ट में करेगा तो उससे निकल के आई स्पीड तो स्पीड क्या होती है स्पीड होती है मीटर पर सेकेंड तो जगह मुझे दो चीज़ों की अगर स्पीड निकालनी है आप मुझे ये बताना है कि कौन सी चीज ज्यादा तेज चलती है तो मैं कैसे बताऊंगी कि एक सेकेंड के अंदर जो सबसे ज्यादा टाइम डिस्टेंस कवर कर लेगा उसकी स्पीड सबसे ज्यादा है तो अपन इसीलिए जो स्पीड है उसकी यूनिट मीटर पर सेकंड लेते हैं ठीक है सो द स्पीड ऑफ फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक कार ट्रेन एरोप्लेन आर यूजुअली मेजर्ड इन किलोमीटर पर आवर है ना अब ये डिपेंड करता है कि आप किसकी स्पीड मेजर कर रहे हो अब जैसे प्लेन हो गया कार हो गई या फिर आपके हेलीकॉप्टर्स हो गए अब ये तो क्या करते हैं बहुत स्पीड रहती है इनकी तो मतलब ये किलोमीटर्स बहुत जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे मतलब एक सेकेंड के अंदर तो ये बहुत सारा आगे चल जाएंगे तो वो इतनी बड़ी वैल्यू आपको मीटर्स में लिखनी पड़ेगी ठीक है तो जैसे कि ये इनकी जो स्पीड है वो इसीलिए क्योंकि वो बड़े बड़े रास्तों को कवर करते हैं तो इसलिए अपन इनकी जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आर में लेते हैं ठीक है अब अगर मुझे उसको लेना है सेकेंड्स में तो मुझे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और हम कर सकते हैं लेकिन ये क्योंकि बड़े बड़े ऑब्जेक्ट हैं हाई स्पीड ऑब्जेक्ट्स हैं और ये सिर्फ अपन अगर उनके मीटर की क्वांटिटी निकालने बैठेंगे तो बहुत लंबा नंबर आएगा तो इसीलिए अपन क्या करते हैं किलोमीटर्स में लिखते हैं इसे इफ अ कार ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ सिक्सटी किलोमीटर आर अगर यहाँ कहीं लिखा होगा कि कार जो है वो सिक्सटी किलोमीटर पर आर से चलती है ठीक है तो दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि वो एक घंटे के अंदर कितना डिस्टेंस कवर करती है साठ किलोमीटर ठीक है तो भाई ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इनको ध्यान रखिए क्योंकि इनसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बनते हैं और कई बार हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सिक्सटी किलोमीटर पर आर का मतलब क्या है तो आप समझ जाएंगे पर आर का मतलब कि एक घंटे के अंदर कोई चीज 60 किलोमीटर का सफर तय कर लेती है या फिर कार जो है वो एक घंटे के अंदर 60 किलोमीटर चल सकती है ठीक है सो इसका अगर अपन फॉमूला देखना चाहें कि आप अपन इसको फॉर्मूले में किस तरह से लिख सकते हैं या फिर अगर मुझे किसी भी चीज़ की स्पीड निकालनी है तो मैं कैसे निकाल सकती हूँ सो इफ एन ऑब्जेक्ट कवर अ डिस्टेंस डी इन टाइम टी इट्स स्पीड इज गिवन बाय अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि डी टाइम डिस्टेंस को टी टाइम में कवर कर रहा है तो उसकी स्पीड होगी स्पीड इक्वल्स टू डी अपॉन टी ठीक है डी डिवाइडेड बाई टी इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स फॉर अ टाइम टी एट अ स्पीड एस है हाँ ना अब अगर आपको दिया हुआ है टाइम दिया हुआ है और किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड बता के दी हुई है इट कवर्स अ डिस्टेंस तो आप डिस्टेंस और टाइम की हेल्प से सॉरी स्पीड और टाइम की हेल्प से डिस्टेंस निकाल सकते हैं कैसे निकाल सकते हैं तो भाई आपको सिर्फ यही फॉर्मूला याद रखना है अगर मुझे पता है कि एस इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम तो अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो मैं क्या करूँगी अगर मुझे सिर्फ डिस्टेंस नहीं पता है तो इस केस में मैं क्या करूँगी टी को उधर भेज दूँगी कहाँ भेज दूँगी स्पीड के पास अब ये यह तो स्पीड अपॉन टू डिस्टेंस अपॉन टाइम में डिस्टेंस तो पता, पता है और स्पीड पता है तो क्या आप इसकी मदद से टाइम निकाल सकते हैं जी हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं हमें क्या करना पड़ेगा या हम इसको इधर भेज देते हैं और इसे इधर ले आते हैं ठीक है कुछ भी कर सकते हैं आप ठीक है या फिर डी को उधर भेज दें लेकिन वो टाइम फिर वन अपॉन टी होगा इसलिए अपन क्या करते हैं इसको यही रहने देंगे और आप इसको कैसे निकाल सकते हो अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो तो इक्वल्स टू हो जाएगा ये इक्वल्स टू हो जाएगा डी डिवाइडेड बाय एस ठीक है तो इस फॉर्मूले की मदद से अगर आपको इनमें से कोई भी एक क्वांटिटी नहीं पता है और दूसरी क्वांटिटी पता है तो हम इसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक है तो ये होता है स्पीड का फॉर्मूला तो आई होप आपको स्पीड वर्ड क्लियर हो गया होगा है ना आप ये स्पीड की हेल्प से हम निकाल लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स जिससे आपको और ये स्पीड का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा जैसे कि पहला आपका न्यूमेरिकल है द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड चंडीगढ़ इज़ अराउंड 250 किलोमीटर ठीक है दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच में तो दो रेफरेंस पॉइंट हो गए दिल्ली और चंडीगढ़ ठीक है इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उन्होंने दिया हुआ है 250 किलोमीटर कितना दिया है 250 किलोमीटर अब बस टेक 5 आवर टू ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़ एक बस है ठीक है जो कि कितना टाइम लगाती है वो लगाती है 5 आवर कितना लग लगा रही है 5 आवर लगाती है दिल्ली से चंडीगढ़ जाने में दैट मींस कि उसको 250 किलोमीटर का सफर तय करने में कितना टाइम लगता है 5 आवर लगता है ठीक है सो वॉट स्पीड डज इट ट्रेवल तो आपको बताना है एट डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन ठीक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है एक जैसा हर टाइम पर वो एक ही स्पीड में एक जैसी अगर चल रही है तो उसको यूनिफॉर्म कहते हैं किसी बच्चे ने मुझसे जब मैं चैप्टर पढ़ा रही थी तो एक कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन आया था कि मैम पेंडुलम का जो मोशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है या नॉन यूनिफॉर्म होता है तो भाई पेंडुलम का जो मोशन है बेसिकली उसको अपन एक नया वर्ड बोलते हैं बट वो अभी अपन नहीं सीखते हैं बट फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि वो एक यूनिफॉर्म मोशन है ठीक है क्योंकि वो अपने आप को एक जैसा एक टाइम पर बिल्कुल एक ही स्पीड में रिपीट करता जाता है ठीक है एक जैसा डिस्टेंस कवर करता है इसलिए वो एक यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है ठीक है सो पेंडुलम का मोशन जो है वो यूनिफॉर्म मोशन है अब चलिए वापस यहाँ आ जाते हैं सो वॉट स्पीड डज इट ट्रेवल तो आपको बताना है कि किस स्पीड में ट्रेवल करता है तो स्पीड निकालने के लिए आप क्या करते हैं स्पीड इक्वल्स टू आपको पता है कि क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम अब स्पीड अगर मुझे मेजर करनी है तो यहाँ पर मुझे क्या दिया हुआ है डिस्टेंस दिया हुआ है टू फिफ्टी किलोमीटर्स ठीक है और टाइम दिया हुआ है फाइव आर तो इसकी हेल्प से हम निकाल लेंगे ये कितना हो जाएगा फिफ्टी है ना तो ये क्या आ जाएगा आपका स्पीड फिफ्टी किलोमीटर पर आर दैट मीन्स कि अगर कोई ट्रेन है या बस है जो कि यूनिफॉर्म मोशन कर रही है और उसके डिस्टेंस टू फिफ्टी किलोमीटर पाँच घंटे में कवर करती है और अगर मुझे इसकी स्पीड निकालनी है तो मुझे पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम से हम उसकी स्पीड निकाल सकते हैं जो कि होगी फिफ्टी किलोमीटर पर आवर इसका मतलब कि वो एक घंटे के अंदर पचास किलोमीटर के रास्ते को तय कर लेती है या पचास किलोमीटर चल सकती है आए समझ में आई बात आ गई पचास किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेगी ठीक है चलो तो ये क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा कि स्पीड को कैसे निकालते हैं दूसरा एक और पर न्यूमेरिकल देख लेते हैं द शताब्दी एक्सप्रेस एक्सप्रेस टेक्स फोर आवर टू ट्रेवल फ्रॉम न्यू डेली टू लखनऊ आप देखिए न्यू डेली से लखनऊ जाने के लिए जो शताब्दी एक्सप्रेस है उसे कितना टाइम लगता है एक, आपकी जो ट्रेन है उसे टाइम लगता है सिक्स आवर्स ओके सो एट ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर और वो भाई टाइम तो इतना लगा रही है लेकिन उसकी स्पीड भी दी हुई है कि उसकी जो स्पीड है वो है एट्टी किलोमीटर पर आवर ठीक है एक घंटे के अंदर वो अस्सी किलोमीटर चलती है और पाँच छः घंटे लगा रही है न्यू दिल्ली से लखनऊ जाने में अब आपको बताना था कि कितना उसने डिस्टेंस मतलब कि कवर किया होगा वॉट इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यू डेही टू लखनऊ अब आपको बताना है कि न्यू दिल्ली से लखनऊ का डिस्टेंस कितना कवर किया होगा उसने या कितना डिस्टेंस होगा तो अब आपको पता है अगेन डिस्टेंस आपको दी पता करना है लेकिन आपको क्या बताया हुआ है स्पीड दी हुई है कितनी 80 किलोमीटर पर आवर और दिया हुआ है आपको टाइम वो है सिक्स आर अब अपन जानते हैं कि अगर स्पीड इक्वल्स टू होता है डी अपॉन टी दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम अब मुझे यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है तो मैं क्या करूँगी इस टी को इसके पास भेज दूंगी दैट मीन्स डी इक्वल्स टू हो जाएगा एस मल्टीप्लाइड बाई टी तो ये हो जाएगा आपका एट्टी किलोमीटर पर आर मल्टीप्लाइड बाय टाइम टाइम कितना दिया हुआ है आपको सिक्स आर ठीक है तो ये हो जाएगा फोर एट्टी किलोमीटर आर से आर से आर कैंसिल और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एट्टी इन सिक्स दैट इज फोर एट्टी किलोमीटर तो कितना डिस्टेंस है दिल्ली से लखनऊ के बीच में फोर एट्टी किलोमीटर्स जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है ठीक है तो आप समझ गए कि भाई डिस्टेंस और टाइम के रिस्क साथ हमें मिल जाती है स्पीड क्योंकि स्पीड होती है डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम है? एक यूनिट टाइम में कोई चीज कितनी जल्दी डिस्टेंस को कवर कर रही है उसी को हम उसकी स्पीड कहते हैं ठीक है मोशन से रिलेटेड क्यों है क्योंकि भाई मोशन का मतलब होता है दट मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू रिफरेंस पॉइंट और मूवमेंट अगर कोई चीज करती है दैट मीन्स कि वो डिस्टेंस को कवर करती है अब ऑब्जेक्ट कितनी देरी में डिस्टेंस कवर करती है तो उससे निकल के आई स्पीड तो अगर अपन मोशन एंड टाइम पढ़ रहे हैं तो इसीलिए हमको इसमें टाइम के बारे में पढ़ना जरूरी था हमें इसमें डिस्टेंस के बारे में पढ़ना जरूरी था उनकी यूनिट्स क्या होती है और साथ ही साथ ये पढ़ना जरूरी था कि स्पीड क्या होती है तो आई होप अब आप स्पीड को कैलकुलेट करना सीख गए होंगे ठीक है कई सारे आप एग्ज़ाम्पल्स इसको देख सकते हो या अपनी डेली लाइफ में भी आप देखिए कि कहाँ कहाँ पर आपको स्पीड का वर्ड दिया हुआ है और अगर टाइम दिया हुआ है तो कितना डिस्टेंस कवर हुआ है ये आप निकाल सकते हैं तो सबसे ज़्यादा तो अगर हम, हम हमारे डेली लाइफ के एग्ज़ाम्पल्स में देखें तो स्पीड और डिस्टेंस या टाइम ये तीनों चीज़ें जो है वो हम सबसे ज़्यादा देखते हैं ट्रेन्स में ठीक है तो ट्रेन के एनालिसिस में कि कोई ट्रेन कितनी देरी से आ रही है ठीक है वो अपन डिस्टेंस और उसके स्पीड से ही निकाल पाते हैं ठीक है तो इसीलिए जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ जिसकी मदद से का जिसका सबसे ज़्यादा यूज़ आप ये देख सकते हो कि वो रेलवेज़ में किया जाता है क्योंकि इस ग्राफ से ये पता लगाया जाता है कि कोई ट्रेन कहाँ पर है कितनी देरी में कहाँ पहुँचेगी ठीक है वो तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक्चुअल में क्या है तो नाम जैसा कि आपको दिख रहा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ ग्राफ का क्या, क्या मतलब होता है कि नहीं ही, दो क्वांटिटी के बीच में कुछ पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन करके ये बताना कि उसकी एग्जैक्ट कंडीशन क्या है या उसकी पोजिशन क्या है तो ग्राफ मतलब दो क्वान्टिटी के बीच में बनने वाला डाइग्राम ठीक है so, सो यहाँ पे जो ग्राफ है वो बनेगा अब आप शायद आपने मैथ्स में ग्राफ पढ़े होंगे तो आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में पढ़ा होगा ठीक है तो यहाँ पे होता है ये डिस्टेंस और ये टाइम का ग्राफ ठीक है तो कोई चीज कितनी देरी में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है उसी को उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहते हैं या तो आप ये कह सकते हो द तो ग्राफ बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस इज नोन एज डिस्टेंस ग्राफ ठीक है अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बनता है चलिए इसको एक पॉइंट वाइज पॉइंट थोड़ी सी आ, एक्टिविटी या कहानी के साथ समझते हैं सपोज अ कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड विच हैज नो ट्रैफिक अब मान लीजिए कि एक कार जो है वो बिना किसी ट्रैफिक के आराम से चलती जा रही है इट इज स्टार्ट फ्रॉम लैम्प पोस्ट एट नाइन एम ठीक है द ओडोमीटर रीडिंग आफ्टर फाइव मिनट्स इज नोटेड अब ये ओडोमीटर क्या होता है तो भाई ये अभी मैं आगे बताऊंगी स्पीडोमीटर ओडोमीटर के बारे में इसकी मदद से हमें ये पता चलता है कि कितना डिस्टेंस कवर हुआ है ठीक है सो ऑडोमीटर uh, की मदद से आपको टाइम और, और स्पीडोमीटर की मदद से हम डिस्टेंस बता पाएंगे तो आगे अपन डिस्कस करते हैं फिलहाल ओडोमीटर रीडिंग आफ्टर एवरी फाइव मिनट इज़ नोटेड जिसके बाद अपन ने ओडोमीटर की पाँच मिनट से अपन पा, हर पाँच मिनट की अपन ने रीडिंग नोट करी यू कैन सी दैट द कार ट्रेवल्स एवरी फाइव किलोमीटर इन एवरी फाइव मिनट्स फॉर द एंटायर जर्नी हमने ये देखा कि भाई ये जो पूरी जिसमें कोई ट्रैफिक नहीं है तो उस पूरे उस एरिया में ये जो कार है वो कैसे ट्रैवल कर रही है पाँच किलोमीटर ट्राई करती है पाँच किलोमीटर कवर करती है हर पाँच मिनट में है ना तो हर पाँच मिनट में वो पाँच 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 किलोमीटर चलती जाती है सो दिट दैट इज़ ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन इट कवर्स द इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो अब मतलब ये जो स्पीड है इसकी एक जैसी है ठीक है इसका मतलब कि क्या कर रही है क्योंकि कोई भी ट्रैफिक नहीं है तो बिल्कुल बिल्कुल आराम से वो चलती जा रही है और ऐसी स्पीड मेंटेन की हुई है कि पाँच किलोमीटर में वो पाँच मिनट को कवर करे दैट मीन्स कि वो एक स्ट्रेट लाइन में क्या कर रही है अपना मोशन कर रही है इफ़ यू कैलकुलेट स्पीड फॉर द इंटायर जर्नी और फॉर एनी इंटरवल ऑफ टाइम ड्यूरिंग द जर्नी इट विल बी द सेम अगर अपन स्पीड निकालेंगे तो सेम ही आएगी क्योंकि हर पांच मिनट में कितना कवर करती है ये पांच किलोमीटर को कवर करती है सो स्पीड फॉर द जर्नी इंटायर जर्नी इट कवर्स ट्वेंटी किलोमीटर इज ट्वेंटी मिनट्स और इन वन थर्ड हावर ठीक है तो अगर अपन जैसे निकालें कि चलिए पाँच मिनट को ये पाँच मिनट में ये पाँच किलोमीटर तय करती है तो बीस मिनट में कितना करेगी तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि देखिए पांच मिनट में पांच कवर करती तो ये निकाल सकते हैं कि बीस है आपका 60, उसको आप थ्री से डिवाइड कर दोगे तो ट्वेंटी आएगा ना ट्वेंटी मिनट से आपको मिलेगा तो इसलिए अपन यहाँ पे ट्वेंटी मिनट को क्या लिख सकते हैं ट्वेंटी मिनट्स को मैं आर में कन्वर्ट करके लिख देती हूँ आर ओके है ना ये भी लिख सकते हैं सो स्पीड फॉर द टाइम इंटरवल नाइन ए एम टू नाइन फाइव अगर मैं देखूं कि नौ से नौ पाँच तक के बीच में ये कितना चली होगी तो ये भी हम निकाल सकते हैं अब ये हर पाँच मिनट में कितना कवर करती है भाई पाँच किलोमीटर कवर करती है तो ये नौ बजे से चलना शुरू हुई तो इट कवर्स आ, नौ पाँच में कितना पहुंचेगी तो ये नौ बजे से चलना शुरू हुई थी यहाँ से और नौ पाँच तक वो कितना कवर कर चुकी होगी तो भाई ये हर पाँच मिनट में क्योंकि पाँच किलोमीटर तय करती है तो नौ पाँच में इसने कवर किया होगा कितना डिस्टेंस पाँच किलोमीटर ठीक है तो इट कवर्स फाइव किलोमीटर इज इन फाइव मिनट्स दैट इज वन अपॉन पे बेसिकली क्या कर रहे हैं अपन यहाँ पर हम मिनट्स को आर में कन्वर्ट कर ले रहे हैं अब अगर आप चाहते हैं कि मिनट्स को हम आर में कैसे कन्वर्ट करें तो मान लीजिए कि आपको ट्वेंटी मिनट को आर में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे आप कर दोगे इसको डिवाइडेड बाय सिक्सटी ठीक है क्योंकि आपके सिक्सटी मिनट्स बनाते हैं वन आर तो अगर आपने इसमें डिवाइड कर दिया तो ये क्या आ जाएगा वन अपॉन थ्री आर ठीक है तो इसी तरीके से अपन ने यहाँ पे फाइव मिनट्स को भी क्या निकाल लिया है वन पॉइंट ट्वेल्व आर में ठीक है तो इस तरह से हमने इसे आर में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि अपन जब भी कार की स्पीड निकालते हैं तो हमने आपको बताया था कि वो किलोमीटर पर आर में होनी चाहिए ठीक तो ये सब जरूरी पॉइंट्स हैं पहले जान ले कि भाई किस तरह से हम किस चीज़ की स्पीड को देखते हैं सो डिस्टेंस टाइम डेटा ऑफ अ कार ट्रैवलिंग ऑन अ रोड विद नॉट ट्रैफिक विद डो विद नो no ट्रैफिक अगर कोई ट्रैफिक नहीं है तो वो यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो अगर मुझे उसका डिस्टेंस ग्राफ निकालना है तो किसी भी चीज़ का डिस्टेंस ग्राफ का मतलब क्या होता है जैसा मैंने आपको बताया कि कोई चीज़ कितनी देर में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है ठीक है क्या बताया मैंने कि कोई चीज़ कितनी देर में कितना डिस्टेंस निकाल कर रही है कवर उसी को हम उसका क्या कहते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ अब अगर आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है तो उसके पहले आपको क्या करना होगा एक चार्ट प्रिपेयर करना होगा जिसमें हम क्या करेंगे जिसमें हमें पता होना चाहिए कि कोई चीज़ कितने टाइम से स्टार्ट हुई थी और कितना कितना डिस्टेंस उसने कवर किया ठीक है अब जैसे कि यहाँ पर ओडोमीटर की रीडिंग से हमें पता चल जाएगा कि ये रीडिंग थी ओडोमीटर की ठीक है अब स्टार्टिंग में जब उसने चलना शुरू किया जब गाड़ी में जो ऑडोमीटर लगा होता है ना सामने जिसमें आपको पता चलता है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है किसी कार ने तो मान लीजिए उसके रीडिंग थी फाइव सिक्स ज़ीरो फाइव कितनी रीडिंग थी फाइव सिक्स जीरो फाइव रीडिंग थी अब डिस्टेंस इन किलोमीटर्स अब अपने को देखना है तो सबसे पहले तो स्टार्टिंग पॉइंट जो है मतलब कि कहें जहाँ पर वो रेस्ट की कंडीशन में है, है ना तो इसलिए स्पीड क्या हो जाएगी ज़ीरो ठीक है तो डिस्टेंस क्या रहेगी जीरो रहेगी यहाँ पे अपन ने क्या किया डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फाइव मिनट इंटरवल ये लिख दिया यहाँ पे अब यहाँ पे सबसे पहले जीरो है क्योंकि ये स्टार्टिंग की कंडीशन है अब नौ पांच पे ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी तो मैंने आपको क्या बताया कि हर देर में वो पांच पांच किलोमीटर चल रही है तो यहाँ पे आ गया टेन अब कितना डिस्टेंस आ, डिस्टेंस इन किलोमीटर फ्रॉम लैम्प पोस्ट तो लैम्प पोस्ट से उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया पांच किलोमीटर क्योंकि पहले ओडोमीटर की रीडिंग क्या थी ज़ीरो फाइव अब कितनी हो गई है टेन मतलब कि कितना बढ़ गया यहाँ पे पाँच तो यहाँ पर कितना किलोमीटर उसने तय कर लिए पाँच किलोमीटर तय कर लिए ठीक है सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फाइव मिनट्स इंटरवल तो पाँच मिनट के इंटरवल में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है पाँच मिलीटर ठीक है पाँच किलोमीटर तो अपन ने वहां पर पाँच लिख दिया है ना पाँच मिनट में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है सिर्फ पाँच ठीक अब आगे चलेंगे अब ऑडोमीटर की रीडिंग क्या है फाइव सिक्स टेन है ना अब क्या हुआ 9 10 पे मतलब फिर से पांच मिनट बाद आपने देखा तो कितनी आ रही है 15 दैट मीन्स कि टोटल डिस्टेंस कितना हो गया लैंप पोस्ट से मतलब जहां से उसने चलना शुरू किया था वहां से डिस्टेंस कितना हो गया पहले जीरो था अब फाइव है अब कितना हो गया टेन क्योंकि पहले पांच किलोमीटर चली फिर पांच किलोमीटर चली तो अब यहां पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फाइव मिनट इंटरवल तो पांच मिनट के इंटरवल में वो कितना चली है पाँच किलोमीटर और तो हमने यहाँ पे पांच लिख दिया यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि वो पांच पांच किलोमीटर में पांच पांच मिनट के इंटरवल में कितना कितना डिस्टेंस कर रही तो पहले पांच मिनट में वो पांच चली फिर दूसरे पांच मिनट में भी वो पांच चली है फिर हमने नौ पंद्रह पे चेक किया तो क्या हुआ इसका डिस्टेंस कितना आ गया फाइव सिक्स टू ट्वेंटी ठीक है फाइव सिक्स ट्वेंटी आ गया मतलब कि पहले पंद्रह था बीस हो गया इसका मतलब उसने कितना किलोमीटर और चली है वो पांच किलोमीटर और चली है दैट मीन्स की लैम्प

उसमें क्या क्या डिफरेंस आ रहे हैं पहले वाले में क्या डिफरेंस मतलब कि ये बताना है आपको कि हर मिनट्स में क्या वो पाँच पाँच मिनट को ही कवर पाँच पाँच किलोमीटर ही कवर कर रही है या फिर कहीं पर छः किलोमीटर कवर हो गई तो लेकिन ये ये कैसी बस थी ये यूनिफॉर्म मोशन कर रही थी ठीक है तो अपन इससे ये समझेंगे कि क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन और क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो अपन अभी क्या देख रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन को मतलब कि कोई चीज किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में अगर एक जैसा डिस्टेंस कवर करती जाए तो वो उसका यूनिफॉर्म मोशन

यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं या फिर आप ये भी कह सकते हो द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड द स्पीड ऑफ द बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन डू नॉट चेंज अगर यूनिफॉर्म मोशन होता है तो किसी भी बॉडी की डायरेक्शन या फिर उसकी स्पीड जो है वो चेंज नहीं होती ठीक है तो ये वर्ड आपको आ, क्या समझ में आया यहां से यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है ठीक है लेट प्लॉट प्लॉट अ ग्राफ ऑफ डिस्टेंस डिस्टेंस वर्सेस द टाइम टाइम डेटा 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 जैसे कि अपन एक distance data और time data को अगर plot करें तो वो कुछ इस तरह से आएगा अब ये क्या है ये मैं आपको समझा देती हूँ अब यहाँ से अपन यूनिफॉर्म मोशन समझ गए अब अपन क्या पढ़ रहे थे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है तो हमने देखिए यहाँ पर बना लिया है डिस्टेंस ठीक है इस एक्सिस पर हमने डिस्टेंस लिख दिया इस एक्सिस पर अपन ने लिख दिया टाइम है ना अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स को लिख दिया जितना कि हमने इस चार्ट में प्रिपेयर किए थे ठीक तो टाइम इंटरवल क्या है अपना नाइन नाइन फाइव नाइन टेन से लेकर के नाइन ट्वेंटी तक तो हमने इस वाले जो डायग्राम है इसमें नाइन ट्वेंटी तक का टाइम मेजर कर दिया एक एक बॉक्स को आप पाँच पाँच मिनट का इंटरवल दोगे मतलब ये नाइन है जहाँ से शुरुआत की ओरिजिन से तो वो क्या हो जाएगा नाइन देन उसके बाद फाइव मिनट्स का इंटरवल दैट मीन्स नाइन फाइव का एक बॉक्स फिर नाइन टेन नाइन फिफ्टीन एन नाइन ट्वेंटी ठीक है इसी तरीके से अपन ने डिस्टेंस देख लिया कि टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ है इसने तो अपन यहाँ देख लेते हैं अगेन अपने चार्ट में तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड है इसका ट्वेंटी ठीक है तो अपने ट्वेंटी किलोमीटर लिख दिया तो अपने को मतलब डी डिस्टेंस पे क्या लिखना पड़ेगा तो यहाँ ध्यान से देखिए टाइम अपना जो डिस्टेंस है वो पाँच 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 पाँच, पाँच किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर रही है तो ये जीरो से फाइव टेन ठीक है तो अब यहाँ पर अपन इसको बनाते कैसे हैं जरा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे ये यह अपन 9 बजे तो ये बिल्कुल रेस्ट की कंडीशन पे थी फिर वो चलना शुरू हुई फिर हमने चेक किया कि 9:05 पाँच पे इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है तो आपने यहाँ से देखा कि नौ पाँच पे उसने पाँच किलोमीटर तय किया है तो आप यहाँ से क्या करोगे इसको क्या बना दोगे यहाँ पे पाँच किलोमीटर पे क्योंकि नौ पाँच पे इसने पाँच किलोमीटर तय किया था ठीक है अब मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल नौ पाँच पे ये तीन किलोमीटर तय करती ठीक है कितना करती थ्री किलोमीटर तो आप थ्री किलोमीटर कहाँ मेजर करते हैं फाइव यहाँ है तो फोर यहाँ होगा और थ्री यहाँ तो आप ये डॉट यहाँ ना लगा करके कहाँ बनाते फिर ये डॉट फिर ये डॉट आप बनाते यहाँ पे ठीक है पर ऐसा कुछ नहीं है अभी तो अपन को पता है कि उसने नौ पांच पे पांच किलोमीटर तय किया था इसलिए हम यहाँ पर क्या बना दे रहे हैं कहाँ डॉट बनाएंगे ये रहा आपका नाइन फाइव ये रहा आपका पांच किलोमीटर और इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा इन दोनों के बीच में आ जाएगा आपका ये पॉइंट ठीक है अब दूसरी चीज फिर आगे अपन ने देखा कि नौ दस पे इसने कितना किलोमीटर तय किया तो अपने को पता था दस किलोमीटर तो यहां से अपन ने देखा दस यहाँ से देखा नाइन टेन और ये मार्क कर दिया इन दोनों का एक पॉइंट ठीक है इसी तरीके से अपन ने क्या किया 9 नाइन फिफ्टीन पे देखा तो नाइन फिफ्टीन पे उसने कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ था पंद्रह किलोमीटर तो ये हो गया पंद्रह नौ बीस पर उसने बीस किलोमीटर तय किया था तो ये हो गया बीस किलोमीटर तो अपने को ये एक बीच में इस तरीके के, के पॉइंट्स मिल जाते हैं ठीक है तो जब आप इन पॉइंट्स को जोड़ोगे है ना तो आपको क्या मिलेगा अगर ज़ीरो से स्टार्ट करके इस पॉइंट को जोड़ते जाओगे तो आपको ये लाइन कैसी दिख रही है स्ट्रेट लाइन दिख रही है और यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि अगर कोई चीज़ स्ट्रेट लाइन में बिना अपनी स्पीड को चेंज किए हुए बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे चलती है तो उसे ही हम क्या कहते हैं और अपनी डायरेक्शन भी अगर चेंज नहीं करती है तो हम उसे क्या कहते हैं उसे कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन Motion. तो ये ग्राफ आपको क्या दिखा रहा है यूनिफॉर्म मोशन तो इसी तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल्स का ग्राफ डिजाइन करके ये समझ सकते हैं कि कोई चीज यूनिफॉर्मली मोशन कर रही है या फिर नॉन यूनिफॉर्म तो हम यूनिफॉर्म तो हम समझ गए अब नॉन यूनिफॉर्म का क्या मतलब होता है चलिए इस बात को भी समझ लेते हैं सो so, जब अपन देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन को तो ये एक एग्जांपल है है हाँ ना सो नाउ सपोज द कार इज ट्रैवलिंग ऑन द अनदर स्ट्रेट रोड विद द ट्रैफिक ऑन इट अब एक मान लीजिए कि स्ट्रेट रोड पर चल रही है लेकिन उस पर क्या है ट्रैफिक है इट कंटिन्यू टू ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन बट हैज टू स्लो डाउन और स्पीड अप फ्रॉम टाइम टू टाइम बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक अब ट्रैफिक के कारण कभी उसको तेज़ करनी पड़ती है स्पीड कभी स्लो करनी पड़ती है सो द डिस्टेंस इट कवर्ड इन फाइव मिनट्स इंटरवल आर एज गिवन इन टेबल अब अपन ने क्या किया अब अगेन अपन ने टाइम को क्या कर लिया फिक्स मान लिया कि हर पाँच पाँच मिनट में हम ये देखेंगे कि ये कितना कितना डिस्टेंस कवर करती है ठीक है तो आप यूनिफॉर्म मोशन को जरा ध्यान से समझिएगा अपन ने टाइम रख लिया कि हर पाँच मिनट में देखेंगे ऑडोमीटर की रीडिंग देखिए नौ बजे थी फाइव फाइव सिक्स थ्री जीरो नौ पाँच पे कितनी हो गई फाइव सिक्स थ्री टू कितनी हो गई है फाइव सिक्स थ्री टू मतलब कि कितना किलोमीटर उसने तय किया पाँच मिनट के अंदर पाँच मिनट के अंदर उसने तय किए हैं फाइव मिनट्स के अंदर उसने कितना तय किया है यहां पे मैं थोड़ा सा साफ शब्दों में लिख देती हूं तो पांच मिनट के अंदर इसने सिर्फ और सिर्फ दो किलोमीटर को तय किया है ठीक है अब आगे चलते हैं फिर नौ दस पे फिर अपन ने क्या किया नौ से दस मिनट मतलब दस दस मिनट दस मिनट के अंदर वो कितना तय कर रही है नौ पाँच से नौ दस के बीच में आ गया अपन फाइव सिक्स थ्री फाइव तो कितना का डिफरेंस आ गया यहाँ पे यहाँ पर पहले फाइव सिक्स थ्री टू था अब थ्री टू में मैं कितना जोड़ूंगी कि पांच आ जाएगा थ्री जोड़ूंगी दैट मीन्स कि उसने कितना किलोमीटर कवर किया है इसने, इसने मतलब यहाँ पर अगर अपन देखें तो कितना किलोमीटर कवर हुआ है तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इसने फाइव किलोमीटर कवर किया है फाइव कैसे हो गया ये यहाँ का डिफरेंस कितना है किलोमीटर चलना शुरू किया हो ठीक है तो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना डिस्टेंस हो जाएगा ये तो ये यहाँ का टू प्लस ये थ्री तो कितना हो गया फाइव ठीक है अब आगे देखते हैं कि नौ पंद्रह पे क्या रीडिंग आ रही है तो आ रही है थर्टी सिक्स ठीक है तो अब कितना डिफरेंस आ गया है अब वो आगे अपन डिफरेंस निकालेंगे लेकिन अब यहाँ देखिए यहाँ पे कितना चली मतलब सिर्फ एक किलोमीटर चली किसके बीच में नौ दस से नौ पंद्रह के बीच में सिर्फ एक किलोमीटर चली तो टोटल टाइम कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक का था टू किलोमीटर ठीक है प्लस थ्री प्लस वन तो मतलब कितना हो गया यहाँ से टू यहाँ तक टू फिर फाइव फिर उसमें एक और वन ऐड कर दो तो हो जाएगा सिक्स किलोमीटर अब नौ बीस पर अपन ने चेक किया तो यहाँ पर आ गया चालीस तो कितना कवर कर लिया इसने इसने टोटल कितना कवर किया होगा यहाँ पे चार किलोमीटर और ठीक है तो चार किलोमीटर अगर और ऐड कर दोगे तो यहाँ पर आएगा दस तो अब आप देख रहे हो कि हर टाइम में

जिसने चार किलोमीटर का रास्ता तय कर लिया गया तो ये आप कि तो किलोमीटर किलो तो मतलब तो कि में, में, में हो लेकिन डिस्टेंस आपको अलग अलग मिले डिस्टेंस ट्रेवल अलग अलग मिले तो वो होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो जैसा अपन ने वहां पे ग्राफ ड्रॉ किया था अगर अपन यहाँ पर भी ग्राफ ड्रॉ करें तो वही सिमिलर चीज ली हुई है यहां पर आपने आपने पे टाइम को तो वैसे का वैसा रखा डिस्टेंस आपने यहां पर लिख दिया तो यह टेन क्योंकि मैक्सिमम डिस्टेंस उसने कितना कवर किया है दस किलोमीटर ठीक है तो मैंने क्या किया टू 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 के डिफरेंस में मैंने यहाँ पर यहाँ पे स्लॉट बना लिया जैसे कि नौ यहाँ पर लिख दिया मैंने जीरो आप वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स टेन भी लिख सकते हो या फिर डिफरेंस भी लिख सकते हो आपको बस ये याद रखना है कि आप जो आ, यहाँ पर डिफरेंस लेते हो वो हर जगह सेम होना चाहिए जैसे अगर आप वन से स्टार्ट करते हो तो ये वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे लिखना पड़ेगा मतलब एक एक का डिफरेंस है है ना लेकिन अभी आपको क्या करना है यहाँ पर अभी आपको आ, क्योंकि अपने को दस किलोमीटर तक पहुँचना है तो अपन टू टू का डिफरेंस ले लेते हैं तो हो जाएगा टू फोर सिक्स एट टेन ठीक है आप देखिए नौ पाँच पे कितना नौ बजे इसने चलना शुरू किया था नौ पाँच पे कितना डिस्टेंस कवर किया था तो नौ पाँच पे इसने डिस्टेंस कवर किया था सिर्फ टू किलोमीटर तो अपन ने यहाँ पर इसको ड्रॉ कर दिया टू किलोमीटर नौ दस पे इसने ट्रेवल किया भाई थ्री किलोमीटर्स ठीक है तो अपन ने यहाँ पर लिख दिया ठीक है इसके नौ पंद्रह पर इसने 6 किलोमीटर और नौ बीस पर इसने दस किलोमीटर तय किया तो अगर आप इन सब लाइंस को मिला दोगे तो आप देख रहे हो कि लाइन कैसी है ये क्या यूनिफॉर्म लाइन है क्या स्ट्रेट लाइन मिल रही है जी नहीं ये एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है सो so, यू कैन सी दैट द कार ट्रेवल्स डिफरेंट डिस्टेंस ड्यूरिंग द वेरियस फाइव मिनट्स इंटरवल तो हर पाँच मिनट के इंटरवल में डिस्टेंस जो है वो अलग अलग आ रहा है ओके इट्स स्पीड ज्यूरिंग द जर्नी की पॉन चेंजिंग अब अगर डिस्टेंस और टाइम में से कोई भी एक चीज चेंज हो जाएगी ठीक है तो इसका मतलब क्या होगा हर बार अगर डिस्टेंस अलग अलग मिलेगा दैट मीन्स कि हमें डिस्टेंस भले ही टाइम आपको पाँच पाँच इंटरवल का मिल रहा हो लेकिन क्योंकि डिस्टेंस चेंज हो रहा है इसलिए क्या हो रहा है इसलिए उसकी स्पीड भी चेंज हो रही होगी ओके सो एवरेज स्पीड फॉर द इंटायर जर्नी अगर अपने को निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे टोटल डिस्टेंस अपॉन द एवरेज टाइम तो एवरेज टाइम कितना था आपका टोटल टाइम तो फिफ्ट ट्वेंटी ओके एंड टेन तो हो जाएगा थर्टी किलोमीटर पर अ, पर आवर और अगर स्पीड फॉर द फर्स्ट फाइव मिनट्स इंटरवल निकालनी है तो आप तो मतलब आप कहीं की भी स्पीड निकाल सकते हो एवरेज स्पीड निकाली है तो वो आई है थर्टी किलोमीटर पर आवर स्पीड फॉर द फर्स्ट फाइव मिनट इंटरवल आपने निकाली है ट्वेंटी फोर किलोमीटर पर आवर ओके सो यू कैन कैलकुलेट द स्पीड फॉर द अदर टाइम इंटरवल दे आर डिफरेंट मतलब आप अगर स्पीड निकाल करके देखोगे तो हर बार आपको अलग अलग स्पीड मिलेगी तो इससे क्या समझ में आता है सो इन दिस केस द कार इज़ इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एक स्ट्रेट लाइन में तो चल रही है लेकिन कैसा दे रही है नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रही है अ बॉडी सेट टू बी इन अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ द स्पीड और डायरेक्शन ऑफ द बॉडी डज नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट अगर स्पीड और डायरेक्शन सेम नहीं रहती कॉन्स्टेंट नहीं रहती तो इसका मतलब क्या होगा स्पीड और अगर डायरेक्शन सेम नहीं है तो यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा सो so, अब अगर अगर अपन ने ग्राफ डिस्कस कर लिया है ठीक है और अपने को समझ में आ चुका है अब वेल अभी मैं बार बार बात कर रही थी ऑडोमीटर ऑडोमीटर की तो ऑडोमीटर क्या होता है तो आपके गाड़ियों में दो डिवाइसेस लगे होते हैं एक होता है स्पीडोमीटर और एक होता है ऑडोमीटर तो स्पीडोमीटर क्या होता है द स्पीडोमीटर इज अ इन अ व्हीकल गिव्स द स्पीड ऑफ द मूविंग व्हीकल डायरेक्टली इन किलोमीटर पर आर आपको किसी भी मूविंग व्हीकल की स्पीड जो है वो डायरेक्टली किलोमीटर पर आर में देता है ऑडोमीटर इज द व्हीकल गिव्स द डिस्टेंस ट्रेवल्स इन किलोमीटर और ये सिर्फ किलोमीटर बताता है ठीक है दोनों का ही काम क्या होता है किलोमीटर बताने का तो पहला स्पीड स्पीडोमीटर है जो कि स्पीड बताएगा कि किलोमीटर पर आवर में क्या डिस्टेंस है आ, स्पीड है और ऑडोमीटर का काम क्या होगा डिस्टेंस बताने का ओके दिस रीडिंग इज नॉर्मली शोन विद इन द स्पीडोमीटर इटसेल्फ आप कई बार स्पीडोमीटर में ये दोनों ही रीडिंग्स आपको देखने को मिल जाती है जिसमें डिस्टेंस भी लिखा होता है और आपकी कितनी स्पीड है किलोमीटर पर आवर वो भी दिखाई दी जाती है ठीक है तो वेल इसके साथ में हम खत्म करते हैं हमारा मोशन एंड टाइम चैप्टर आई होप आपको समझ में आया होगा कि मोशन क्या होता है टाइम क्या होता है और इन सभी को पढ़ने के लिए क्या क्या जरूरी चीजें पढ़नी थी चलिए एक बार और देख लेते हैं सबसे पहले जरूरी था मेजरमेंट को पढ़ना तो मेजरमेंट इज द कंपेरिजन ऑफ अन नोन क्वांटिटी विद सम फिक्स क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड एक ही तरीके की सेम काइंड की अगर कोई चीज है तो एक फिक्स क्वांटिटी को जब आप नोन क्वान्टिटी से मेजर करते हो तो वो मेजरमेंट कहलाता है फिजिकल क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटीज सच एज लेंथ वेट टाइम टेम्परेचर स्पीड एट्सेट्रा दैट कैन बी मेजर फिर हमने फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा जिसको अपन मेजर कर सकते हैं तो वो कौन सी होती हैं लेंथ वेट टाइम टेम्परेचर स्पीड स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है सो स्टैंडर्ड यूनिट इज वन दैट इज यूनिफॉर्मली यूज बाय एवरी जो कि सबके द्वारा यूज किया जा सके और जिसको ही हम प्रिफ्रेंस मानते हैं फिक्स क्वांटिटी मानते हैं तो मेजरमेंट ऑफ टाइम रिक्वायर समथिंग दैट ऑकर और एट अ रेगुलर इंटरवल तो टाइम को मेजर करते किसकी हेल्प से कर सकते हैं जो कि अपने आप को बार बार रेगुलर इंटरवल में रिपीट करे उसी की मदद से हम टाइम को मेजर कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस एंड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ पेंडुलम एग्जाम्पल के लिए रोटेशन ऑफ अर्थ क्यों क्योंकि अर्थ सन का रोटेशन लगातार यूनिफॉर्मली करती रहती है पीरियोडिक मोशन है इसी तरीके से जो पैंडुलम है वो भी पीरियोडिक मोशन करती है एक समान मूव करती जाती है मतलब कि समथिंग दैट ऑकर एंड अपियर एट अ रेगुलर इंटरवल ये यूनिफॉर्म मोशन है भाई अगेन एंड अगेन बता दूँ कई बच्चों की क्वेरीज आई थी सो द टाइम पीरियड ऑफ पैंडोलम विद अ कांस्टेंट लेंथ इज़ फिक्स्ड जो टाइम पीरियड होता है पैंडोलम का एक कांस्टेंट लेंथ के साथ वो हमेशा फिक्स रहेगा मतलब लेंथ अगर आ, बराबर है तो हर बार वो जो पैंडोलम है वो एक जैसे टाइम में पूरे ऑसिलेशन को कंप्लीट करेगी अब ऑसिलेशन क्या होता है वन कंप्लीट टू एंड फ्रोमोशन ठीक है तो टू एंड फ्रोमोशन क्या होता है हम समझा चुके थे आपको अगर कोई पॉइंट इस पॉइंट से स्टार्ट करती है वहाँ तक जाती है तो यहाँ से hmm. यहाँ जाना वापस यहाँ आकर के यहाँ जाना और वापस यहाँ आना ये होता है आपके पेंडुलम का मोशन ठीक है जिसको हम क्या कहते हैं ऑसिलेशन तो स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम स्पीड क्या होती है कोई बॉडी uh, एक यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है उसे हम उसकी स्पीड कहते हैं अ बॉडी सेट टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इसके बाद हमने क्या पढ़ा इसके बाद हमने पढ़ा यूनिफॉर्म मोशन के बारे में और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है अ बॉडी इज सेट टू बी इन अ यूनिफॉर्म इफ़ इट इज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन एंड कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अ बॉडी इज सेट टू बी इन अ नॉन यूनिफॉर्म इफ द स्पीड ऑफ द बॉडी डज नॉट Uniform motion के लिए, तो वो straight line देता है और अगर आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए बनाओगे तो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा तो आई होप आपको यह चैप्टर का रिविजन करके बड़ा मजा आया होगा समझ में आ गया होगा डिटेल में देखना है तो वो भी हमारे पास है आप मैग्नेट ब्रेन से देख सकते हैं और सारे चैप्टर्स के वन शॉट रिविजन देखना है एग्जाम्स की तैयारी के लिए तो कैसे देखेंगे आपको जाना है मैग्नेट ब्रेन पर वहां पर वन शॉट रिविजन को सिलेक्ट करिए जिसमें आपको सारे क्लासेस के मिल जाएंगे क्लास सेवन को सिलेक्ट करिएगा सेलेक्ट करते साथ ही चैप्टर्स दिख जाएंगे जिस भी चैप्टर का पढ़ना है उसको क्लिक कर दीजिए उसके साथ ही आपको वीडियो दिखेगा वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें तभी आपको पूरा चैप्टर समझ में आएगा अगर आप देखें आपको पसंद आए तो इसे लाइक करिए और कमेंट करके जरूर बताइए साथ ही साथ इसे शेयर करिए अपनी सेम क्लास के जो स्टूडेंट्स के साथ और चैनल को शेयर करिए उनके साथ भी जो कि आपके साथ किसी और क्लास में है दैट मीन्स क्योंकि हमारे पास हंड्रेड फ्री क्लासेज हैं किंडर से क्लास ट्वेल्थ और सभी क्लासेस के पूरे कैप्टल पूरे चैप्टर का पूरा डिस्क्रिप्शन uh, या फिर पूरा कंप्लीट चैप्टर सारा सॉल्यूशन और ये रिविजन सारे क्लासेस के हैं ओके okay? तो बिल्कुल शेयर करिए साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी रिसेंट अपडेट है वो आप तक तुरंत पहुंच जाए तो चलिए मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में टिल देन स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी थैंक यू सो मच